Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all again to the Prime Skills. So, आज जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली एक वन शॉट रिविजन वीडियो है जो कि आपकी एंटायर फर्स्ट यूनिट को कम्प्लीट करेगा. इस वाले लेक्चर में मैंने बेसिकली यूनिट वन का जितना भी सिलेबस है उसको कंडेंस करके आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में आप एक यूनिट को कम्प्लीट कर पाए. इस वीडियो के साथ साथ मैं इसका ऑडियो लेक्चर भी आपके साथ शेयर करूंगा. अगर कभी भी आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप अपना ऑडियो लेक्चर सुन के भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है. सो ये जो वीडियो है ये आपकी अराउंड 1 से 1.5 आवर के आसपास आपको मिलेगी और मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ल्यूसिड वे में, ईजी वे में आपको समझा पाऊँ. तो अगर कोई भी सजेशन आपको वीडियो के एंड में मेरे से शेयर करना है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और आने वाली वीडियोस में कुछ और रिकमेंडेशंस आप मुझे देना चाहते हैं तो आई वुड सर्टेनली वेलकम दैम. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लर्निंग. सो आपकी जो यूनिट वन है इसका नाम है LSRW स्किल्स. LSRW स्किल्स का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. किसी भी लैंग्वेज को जब आप सीखते हैं, समझते हैं, तो उस लैंग्वेज को चार तरीकों, मतलब चार उसके एस्पेक्ट होते हैं जिसके थ्रू आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं या फिर उस लैंग्वेज पे अपनी पूरी कमांड बना सकते हैं. और चारों के चारों रीजन्स में या चारों के चारों डोमेन्स में आपकी एक्सपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपको उस लैंग्वेज को सुनना आना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स. उस लैंग्वेज को बोलना आना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स. उस लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग स्किल्स. और उस लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए, राइटिंग स्किल्स. तभी आप उस लैंग्वेज में अपनी कमांड शो कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मैं कॉम्पिटेंट हूं. तो जब आप इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग चारों स्किल्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक्स जो है काम करता है. सो नाउ कमिंग टू द सिलेबस. सिलेबस में इसमें आपके लिसनिंग में एक्टिव लिसनिंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्पीकिंग में आपका जो प्रोनंसिएशन है, टंग ट्विस्टर्स, स्ट्रेस लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत ही स्पेसिफिक लैंग्वेज है जहाँ पे स्ट्रेस की बहुत वैल्यू होती है कि कौन से वर्ड पे आप स्ट्रेस डाल रहे हैं, तो उस स्ट्रेस के बारे में हम जानकारी लेंगे. रीडिंग स्टाइल्स, रीडिंग के कौन कौन से स्टाइल्स हो सकते हैं जिससे कि आप एक इफेक्टिव रीडिंग कर पाए. उसके अलावा राइटिंग के कौन कौन से स्टाइल्स आपके होते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली केवल पैराग्राफ राइटिंग के बारे में बात करेंगे, वही आपके सिलेबस का पार्ट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना इस यूनिट वन को. तो बच्चों सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपके ये जो LSRW स्किल्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए चारों स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जो लिसनिंग और रीडिंग है वो आपके रिसेप्टिव स्किल्स की कैटेगरी में आते हैं. रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब ये है कि इन स्किल्स के थ्रू आप गेन करते हैं कोई भी चीज. जब आप कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आप गेन करेंगे, इनपुट देंगे. जब आप कोई भी चीज सुनेंगे तब भी आप उस चीज को गेन कर रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा जो आपके स्पीकिंग और राइटिंग होते हैं ये आपके बेसिकली प्रोडक्टिव स्किल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो ये बात आपको याद रखनी है कि रिसेप्टिव स्किल्स लिसनिंग और रीडिंग होते हैं, यानी ये एक तरह का इनपुट होता है आपके माइंड के लिए, और जो आपके स्पीकिंग और राइटिंग है वो आपके प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं, यानी इनके थ्रू आप आउटपुट देते हैं. आप सुन के और पढ़ के जो भी इनपुट लेंगे उसको एनालाइज करेंगे एंड देन आप स्पीकिंग और राइटिंग के थ्रू अपना एक आउटपुट उसमें देंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिसनिंग स्किल्स से. सो बच्चों लिसनिंग स्किल्स क्या है? लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. लिसनिंग का मतलब होता है कि जब आप एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में होते हैं, जब भी कभी आप बातें कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो जो भी कुछ आप सुनते हैं उसको सुनने को और उसके मैसेज को इंटरप्रेट करना, प्रॉपर तरीके से उसके मीनिंग को समझना आपका लिसनिंग कहलाता है. नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट. एक्यूरेटली रिसीव का मतलब आप वही सुन रहे हैं जो आपको बोलने वाला बताना चाह रहा है. ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ वहां पे अपने वर्ड्स लगा रहे हैं, ठीक है. तो एक्यूरेटली रिसीव भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है. लिसनिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल.
आप ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लिसनिंग स्किल कंसिडर टू बी द मोस्ट फंडामेंटल टाइप ऑफ स्किल। इसके बिना आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं होती कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। उनको लगता है कि हियरिंग और लिसनिंग दोनों सेम चीजें हैं। नहीं, हियरिंग और लिसनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। हियरिंग इज बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस जो होता है, जिसके थ्रू आपके ईयर ड्रम्स पे कोई साउंड स्ट्राइक करती है और आप सिर्फ उसको सुनते हैं। आप वहां से कोई मैसेज गेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तब भी वो हियरिंग है, अगर आप लाउड स्पीकर की आवाज सुन रहे हैं तब भी वो हियरिंग है, अगर आपका एयर कंडीशन चल रहा है और उसकी आप आवाज सुन रहे हैं वो भी हियरिंग की कैटेगरी में आता है। कोई भी ऐसी नॉइज भी अगर आप सुन रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जनरेटर की आवाज अगर आप सुन रहे हैं वो भी आपकी हियरिंग के केस में आता है। तो हियरिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसको आप कभी भी रोक नहीं सकते, वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ही कोई भी साउंड आपके ईयर में जाएगी आप उसको हियर करेंगे या फिर आप उसको सुनेंगे। नो, लिसनिंग इज एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस। लिसनिंग के लिए हियरिंग तो इंपॉर्टेंट है, हियरिंग के बिना लिसनिंग नहीं हो सकती, लेकिन लिसनिंग रिक्वायर्स फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स। जब तक आपके कानों में कोई भी आवाज जा रही है लेकिन जब तक आप फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ या अपने एफर्ट लगा के आप उसको नहीं सुनेंगे, तब तक आप उसको लिसन नहीं कर सकते या तब तक आप लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लिसनिंग जो है वो आपका एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, उनका इवेल्युएशन करते हैं और उसके बाद आप एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो लिसनिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जहां पे हियरिंग तो इन्वॉल्व होता ही होता है, उसके अलावा जो भी मैसेज आपने सुना है या जो भी मैसेज, व्हाटएवर मैसेज यू हैव हर्ड, यू आर एक्चुअली प्रोसेसिंग इट, यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, एंड देन फाइनली यू आर एक्चुअली रीचिंग अ कंक्लूजन एंड यू आर पुटिंग इट इनटू योर मेमोरी। So listening is a very complicated and listening is a very comprehensive process जिसके लिए आपको focus और concentrated efforts की जरूरत पड़ती है। ठीक है, types of listening, listening basically दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है active listening और दूसरी हो सकती है passive listening। actually में active listening ही listening होती है, passive listening को तो हम hearing ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल active listening के बारे में ही discussion करेंगे। What is active listening? Active listening means fully concentrating on what is being said. जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में होते हैं या फिर किसी आप अपने क्लास के लेक्चर में होते हैं, जैसे कि अब आप सुन रहे हैं, अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होकर सुनेंगे तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। अगर आप इसको एक म्यूजिक की तरह सुन रहे हैं, जब आप गाने को सुनते हैं या जब आप म्यूजिक सुनते हैं, तो उस समय आपको समझने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब एंजॉय करना नहीं होता है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक समझने की दृष्टि से, एक समझने के पर्सपेक्टिव के साथ आप उसको सुन रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व लिसनिंग विद ऑल द सेंसेस एज वेल एज गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, लिसनिंग के लिए आपको सारी सेंसेस इन्वॉल्व रखनी पड़ेंगी। सेंसेस का मतलब आप वीडियो देख भी रहे हैं, आप अपने कानों से सुन भी रहे हैं, आप अपने माइंड से उस चीज को एसिमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप स्पीकर, यानी इस समय मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे अपना फुल अटेंशन दे रहे हैं, तभी आप इसको एक्टिव लिसनिंग बोल पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग नॉट ओनली मीन्स फोकसिंग फुल्ली ऑन द स्पीकर बट ऑल्सो एक्टिवली शोइंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस ऑफ लिसनिंग। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो आपका केवल फुल्ली फोकस होना काफी नहीं है। देखिए, जब आप वर्चुअल, अब इस समय हमारी वर्चुअल क्लासरूम है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी वर्बल और नॉन वर्बल साइन ऑफ लिसनिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन जब आप किसी को डायरेक्टली सुनते हैं, फिजिकली सुनते हैं, आपके सामने, आंखों के सामने, दैट पर्सन इज ऑल्सो लुकिंग एट यू, तो आपके वर्बल और नॉन वर्बल साइंस ऑफ लिसनिंग या फिर आपकी वर्बल और नॉन वर्बल जो बिहेवियर होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी एक्टिव लिसनिंग को शो करने के लिए। मतलब ये कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एक्टिव लिसनिंग कर रहा हूं, सामने वाले को दिखाने की क्या जरूरत है। नहीं, एक्टिव लिसनिंग का ये पार्ट है। अगर आप एक एक्टिव लिसनर हैं तो आपके हाव भाव से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है, ये बात सामने वाला समझ सकता है कि आप एक एक्टिव लिसनर हैं कि नहीं है।
कैसे पता लगेगा? मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, अगर आप स्पीकर के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, नोडिंग योर हेड एंड स्माइलिंग, एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर है एंड यू आर फ्रीक्वेंटली नोडिंग योर हेड, जैसे आप अगर आप कोई चीज समझते हैं तो आप हेड को नोड करते हैं, एग्रींग बाय सेइंग यस और सिंपली टू एंकरेज द स्पीकर टू कंटिन्यू, जब आपको कोई चीज समझ में आती है तो आप बीच बीच में इस तरह की आवाजें करते हैं, राइट यस, तो ये जो नोडिंग होती है और ये जो और हम की आवाजें जो होती हैं, ये बेसिकली आपके जो स्पीकर होता है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यस दिस इज द एक्टिव लिसनर। ये क्यों जरूरी है? स्पीकर के मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप एक स्पीकर को सुनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसको मोटिवेट करना चाहेंगे, जब आप मोटिवेट करते हैं तभी उस व्यक्ति को पता लगता है कि आप एक एक्टिव लिसनर हो रहे हैं, तो ये एक्टिव लिसनर की क्वालिटी में आता है। तो एक्टिव लिसनिंग इज व्हाट, अगर हम इस पेज को कंक्लूड करना चाहें, एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं, स्पीकर पे पूरा ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देने के साथ साथ आप अपने वर्बल और नॉन वर्बल तरीकों से भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई आप एक एक्टिव लिसनर हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, नोडिंग योर हेड, एग्रीइंग बाय सेइंग यस और सिंपली और एंकरेजिंग द स्पीकर टू कंटिन्यू। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अभी जो हमने देखा नॉन वर्बल और वर्बल कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं जिससे आप अपने आप को एक्टिव लिसनर दिखा सकते हैं या फिर आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। नॉन वर्बल सिंबल्स में आता है स्माइल, नोडिंग, आई कॉन्टेक्ट, योर पोस्चर, योर मिररिंग, नो डिस्ट्रैक्शन। यानी आप एक स्माइल कीजिए, आप टाइम टू टाइम नोट करते रहिए, आई कॉन्टेक्ट स्पीकर के साथ बना के रखिए, आपका जो पोस्चर है वो ऐसा नहीं है कि आप घर पे सोफे पे लेट के मूवी देख रहे हैं। जब आप किसी को एक्टिवली सुनते हैं तो आपका जो पोस्चर है वो इरेक्ट होना चाहिए, आपकी जो जो बैक है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एंड नाउ व्हेन योर बैक इज लाइक वेरी स्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप से इंप्रूव हो जाता है। मिररिंग, मिररिंग का मतलब क्या होता है? ये एक टेक्निक होती है, इंटरव्यू के टाइम पे आप इसको फॉलो करते हैं, जैसे सामने वाला व्यक्ति कर रहा है अगर उसके हाथों का मूवमेंट, अगर उसकी गर्दन का मूवमेंट कुछ है तो अगर आप उसको कुछ हद तक मिरर करने की कोशिश करते हैं या फिर कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको सीरियसली लेता है या फिर वो आपको बेसिकली समझता है कि हाँ ठीक है ये जो व्यक्ति है ये मुझे बहुत ध्यान से सुन रहा है। नो डिस्ट्रैक्शन, आप ऐसा नहीं है कि बार बार वॉशरूम के लिए जा रहे हैं या फिर बार बार आप कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक्टिव लिसनिंग के नॉन वर्बल साइंस में आता है। वर्बल साइंस में क्या आता है? पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, जो मैंने आपको भी बताया था, इस तरह की आवाजें जो होती हैं वो एक पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट होता है आपके स्पीकर के लिए। रिमेंबरिंग, जो भी आपके स्पीकर ने आपको बताया है अगर वो आपको याद रहता है तो इसका मतलब आप एक एक्टिव लिसनर हैं। क्वेश्चनिंग, जब आपको एप्रोप्रिएट टाइम दिखाई दे तो आपको क्वेश्चन भी करना चाहिए, क्वेश्चन केवल वही कर सकता है जिसने एक्टिवली सुना है, ठीक है। कुछ लोग बिना एक्टिवली सुने भी क्वेश्चन करते हैं बट वो क्वेश्चन जनरली इररिलेवेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेन की है स्पीकर से आप उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्लैरिफाइंग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप स्पीकर से उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। एंड देन समराइजिंग, आपसे अगर ये कहा जाए कि भाई आपने जो भी सुना है क्या आप उसको समराइज कर सकते हैं, अगर आपने एक्टिवली सुना है तो आपके अंदर वो एबिलिटी खुद से आ जाती है कि आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कम से कम शब्दों में समराइज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? देखिए बहुत सारे टाइप की एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग हो सकती है, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि नंबर वन इज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग जैसे कि नाम से आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप जो सुनते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए सुनते हैं। सो लिसनिंग विद अ गोल ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग एंड रिटेनिंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब आप जो सुन रहे हैं उसका एकमात्र लक्ष्य केवल और केवल चीजों को समझना और इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग इज नॉट इवेल्युएटिव एंड इज कॉमन इन टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, अभी यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं आपका पर्पज है कि ये चीज मुझे समझ में भी आ जाए और ये चीज मेरे दिमाग में भी रहे जिससे कि मैं एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब समझना और रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन मतलब दिमाग में रखना, ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है। सेकेंड इज द डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। Now, what is discriminative listening?
डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है चीजों को सेपरेट आउट करना। यहाँ पे जो आपका रिसीवर होता है या भी जो भी आपका लिसनर होता है वो हमेशा इंफॉर्मेशन वो वाली गेन करता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उस इंफॉर्मेशन को वो छोड़ देता है, तो यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेट करता है। तो लिसनर एंगेजेस इन लिसनिंग टू द स्कैन एंड मॉनिटर हिज सराउंडिंग इन ऑर्डर टू आइसोलेट पर्टिकुलर ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुलाई, यानी ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन हो जो कि उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो उस इंफॉर्मेशन को सुनता है, लेकिन बाकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसको स्कैन करके बाहर निकाल देता है या फिर वो उसको स्कैन करके उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो ऐसी लिसनिंग को हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग बोलते हैं। अब डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट्री में देख रहे हैं या फिर आप कोई एक ऑडियो बुक सुन रहे हैं, उस ऑडियो बुक में आपके जोक्स भी दे रखे हैं लेकिन साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस भी दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? जो इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप उसको रख लेंगे लेकिन जो जोक्स हैं आप उनको एंजॉय करेंगे और आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऐसी लिसनिंग को हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल से जैसे कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है, क्रिटिकल लिसनर जो होता है वो आपके मैसेज को इवेल्युएट करता है, इवेल्युएट करके ये बताता है कि इस मैसेज में क्या सही है क्या गलत है। क्रिटिकल लिसनिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइक पैरामीटर होता है या एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो एक फीडबैक होता है, ठीक है? सो ए क्रिटिकल लिसनर इवेल्युएट्स अ मैसेज, एक्सेप्ट इट, रिजेक्ट्स इट और डिसाइड टू विदहोल्ड जजमेंट एंड सीक मोर इंफॉर्मेशन। एक क्रिटिकल लिसनर जो होता है वो हो सकता है कि भाई उसकी कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो वो फर्दर क्लैरिफिकेशन मांग सकता है स्पीकर से, ठीक है? हालांकि ये सबके पास ऑप्शन होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रिटिकल एटीट्यूड के साथ सुन रहा है तो वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है या फिर वो जजमेंट भी पास करता है कि भाई आप जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं ये मेरे हिसाब से गलत है या मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्या आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं? तो क्रिटिकल लिसनर जो होता है उसका गोल होता है एनालाइज करना, इवेल्युएट करना और उसके बेस पे एक फीडबैक या फिर एक कंक्लूजन देना। तो क्रिटिकल लिसनर कौन हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं आपका वाइवा ले रहा हूं या फिर आपने मुझे रिकॉर्ड करके कुछ भेजा कि सर आप इसको चेक कर लीजिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको इवेल्युएट करूंगा, इवेल्युएट करने के बाद आपको एक फीडबैक दूंगा कि बेटा आप इस जगह पे गलत बोल रहे थे और इस जगह पे आप सही बोल रहे थे। तो दैट इज कॉल्ड योर क्रिटिकल लिसनिंग। नंबर 4 इज बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड लिसनिंग का मतलब क्या होता है? बायस का मतलब होता है जब आप किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड हो या फिर आपके मन में किसी चीज को लेके कोई प्रेजुडियस हो, ठीक है? तो बायस्ड लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज द सिलेक्टिव लिसनिंग। यहाँ पे आप वो सुनते हैं जो आप एक्चुअल में सुनना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं सुनना चाहते हैं तो आप उसको नहीं सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मोदी जी को बहुत अप्रिशिएट करता है, ठीक है? अब किसी कॉन्फ्रेंस में वो जाता है जहां पे मोदी जी के बारे में कुछ बातें बुरी बताई जाती हैं और कुछ बातें अच्छी बताई जाती हैं, तो वो केवल अच्छी बातों को सुनेगा, बुरी बातों को वो खुद से डिस्कार्ड कर देगा। ऐसी लिसनिंग को हम बोलते हैं बायस्ड लिसनिंग। जब आपके दिमाग में पहले से कोई इमेज बनी होती है किसी भी चीज की या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पहले से होती है तो आप हमेशा बायस्ड लिसनिंग करते हैं, ठीक है? इट कैन लीड टू द डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी लिसनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं होती। इस केस में क्या होगा कि जो फैक्ट्स मोदी जी के अगेंस्ट बोले गए थे, जो व्यक्ति है जो मोदी जी के फेवर में रहता है वो उन फैक्ट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा, तो इस सिचुएशन में उसकी जो लिसनिंग है वो बायस लिसनिंग है और यहाँ पे डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है। जो फैक्ट्स अगेंस्ट में थे वो तो उसने सुने नहीं, वो उनको डिस्टॉर्ट कर देगा या फिर वो उनको मतलब गेन ही नहीं करेगा, ठीक है? नंबर 5 इज द अप्रिशिएटिव लिसनिंग। अप्रिशिएटिव लिसनिंग वो लिसनिंग होती है जो आप एक प्लेजर के लिए या फिर अपने एंजॉय करने के लिए सुनते हैं। जैसे आप मान लीजिए ऑडियो बुक सुन रहे हैं या फिर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ऐसी कोई भी लिसनिंग जो आप अप्रिशिएट करने के लिए एंजॉय करने के लिए सुनते हैं एंजॉय करने के लिए करते हैं वो आपकी अप्रिशिएटिव लिसनिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज द एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग को हम थेरेप्यूटिक लिसनिंग भी बोलते हैं जो कि थेरेपी से रिलेटेड होती है। ये बेसिकली एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप की लिसनिंग होती है। यहाँ पे जब आप सामने वाले व्यक्ति को केवल सुन नहीं रहे हैं, आप उसको महसूस भी कर रहे हैं, जो वो कहना चाहता है उसकी जो फीलिंग्स हैं आप उनकी फीलिंग्स को भी अपने मतलब खुद से महसूस कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कि लाइक यू आर एंटरिंग इन टू द शू ऑफ द स्पीकर एंड देन यू आर लिसनिंग टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने
अपने अपने साथ हुई किसी ट्रेजेडी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है या उसके बारे में कुछ बोल रहा है, देन यू बिकम सो मच इमोशनली इन्वॉल्व कि आप बिल्कुल वैसा ही सोच रहे हैं जैसा उसके साथ हुआ था। आप बिल्कुल उससे अटैच होके सुन रहे हैं। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की लिसनिंग होती है, और ये खासकर जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जो आपके थेरेपिस्ट होते हैं वो जनरली अपने पेशेंट्स को हमेशा एम्पैथेटिक लिसनिंग के थ्रू ही सुनते हैं, क्योंकि जब तक वो इस तरीके से नहीं सुनेंगे तब तक वो अपने पेशेंट की हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी की जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं तो एम्पैथेटिक लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनके फीलिंग्स को समझ के ही उनकी बातों को प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हैं और तभी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी एम्पैथेटिक लिसनिंग। Now comes the process or steps in effective listening. अगर आप एक एक्टिव या इफेक्टिव लिसनर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके पांच जनरली स्टेप्स होते हैं। देखिए ये पांच स्टेप्स आपके स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। इससे पहले भी कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, कुछ बुक्स में इससे पहले के कुछ स्टेप्स भी दिए होते हैं, कुछ रिसोर्सेज में इसके बाद के भी कुछ स्टेप्स दिए होते हैं, बट दीज आर द कोर स्टेप्स। ठीक है, तो जैसे पहला स्टेप है आपका रिसीविंग, सेकेंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज इवेल्युएटिंग, फोर्थ इज रेस्पॉन्डिंग एंड फिफ्थ इज रिटेनिंग। ये ऑर्डर भी आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिख सकता है, बट आपका यहाँ पे मेन कंसर्न जो है वो इन चीजों को समझना है, जिससे कि इससे आगे पीछे बीच में कोई भी चीज आए तो आप उसको रिलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ जगह पे आपको पहला स्टेप जो है वो मिलेगा स्टॉप स्पीकिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप खुद से बोलना नहीं रोकेंगे तब तक आप सामने वाले को कैसे सुन सकते हैं, तो दैट्स एन ऑब्वियस स्टेप। तो अगर कभी आपको आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में ऐसा कोई स्टेप मिलता है देन प्लीज टिक दैट आल्सो। ठीक है, क्योंकि वो एक ऑब्वियस थिंग है, वो मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको यहाँ पे कोर चीजें बता रहा हूँ, कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो इफेक्टिव लिसनिंग के पांच स्टेप्स होते हैं, पांच इस प्रोसेस में पांच स्टेप्स होते हैं। नंबर वन इज रिसीविंग, आप किसी चीज को रिसीव करते हैं। नंबर टू अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर थ्री इवेल्युएटिंग, जो आपने समझा है आप उसको इवेल्युएट करते हैं। नंबर फोर रेस्पॉन्डिंग, जो भी आपने समझा है और इवेल्युएट करके आपने एक कंक्लूजन निकाला है उसके बेसिस पे आप एक रेस्पॉन्स करते हैं। एंड देन नंबर फाइव इज रिटेनिंग, जो भी आपने उस लिसनिंग प्रोसेस के दौरान इन चार स्टेप्स के दौरान कुछ भी आपने गेन किया है आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेमोरी में रिटेन करके रखें, तब जाके वो एक्टिव या इफेक्टिव लिसनिंग कहलाती है। तो आइए इन स्टेप्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन रिसीविंग, द इंटेंशनल फोकस ऑन हियरिंग अ स्पीकर्स मैसेज विच हैपेंस व्हेन वी फिल्टर आउट अदर सोर्सेज सो दैट वी कैन आइसोलेट द मैसेज एंड अवॉइड द कंफ्यूजिंग मिक्सचर ऑफ इनकमिंग स्टिमुलाई। सिंप्लीफाई कर देता हूं, जब आप एक इंटेंशन के साथ, देखिए आप किसी कॉन्फ्रेंस में अगर बैठे हैं या आप किसी जगह पे अगर बैठे हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, जब तक आपका इंटेंशन नहीं होगा उसको सुनने का आप उसको नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आपको अपना इंटेंशन क्रिएट करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको सुनना चाहता हूं। जैसे ही आप अपना इंटेंशन क्रिएट करते हैं आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं और आप पहले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इंटेंशन होने के बाद जो भी आपके अदर स्टिम्युलाई हैं, स्टिम्युलाई का मतलब होता है जो भी आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं या जो भी आपको और कुछ चीजें, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन आसपास से आ रही है, आप उस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करके इंटेंशन के साथ केवल उस व्यक्ति को सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लीजिए आप एक ट्रैफिक के बीच में कहीं पे खड़े हैं जहां पे बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, लाउड स्पीकर बज रहा है, लेकिन आपका फ्रेंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, तो अब वहां पे आपका इंटेंशन है कि आप उसको सुनना चाहते हैं, तो आपको ट्रैफिक की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, ये सब आपको सुनाई नहीं देंगे, आपको केवल इंपॉर्टेंट मैसेज सुनाई देगा। तो अब आप एक रिसीविंग मोड में है, यहां आप पहले स्टेप पे आ चुके हैं। ठीक है, एट दिस स्टेज वी आर स्टिल ओनली हियरिंग द मैसेज, बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस स्टेज में हम केवल मैसेज को सुन रहे होते हैं, वी आर जस्ट हियरिंग, अभी यहाँ पे और कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप इस रिसीविंग स्टेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हर स्टेज में आपको कुछ ना कुछ टिप्स मैं यहाँ पे दूंगा। तो रिसीविंग स्टेज को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, नंबर वन प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन, सबसे पहले अपना इंटेंशन बनाइए कि मैं सुनना चाहता हूँ। नंबर टू डिसर्न बिटवीन द इंटेंशनल मैसेज एंड नॉइज, जो नॉइज है उस नॉइज के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो सिग्नल है जिसको जिसको आप मतलब रिटेन करना चाहते हैं केवल उस पर ध्यान दीजिए। नंबर थ्री
अवॉइड इंटरप्टिंग समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन योर एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई एंड लिसन। सामने वाले व्यक्ति को पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप उसको बीच में इंटरप्ट मत करिए। अगर आप उसको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं तो आप अभी भी रिसीविंग मोड में नहीं है। ध्यान रखिएगा, रिसीविंग मोड का मतलब है यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ एब्सोल्युटली मम, यू डोंट नीड टू स्पीक और अटर इवन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, तो रिसीविंग मोड में आने के लिए आपको ये तीन स्टेप्स इंपॉर्टेंट तरीके से आपको तीन स्टेप्स ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करने हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अब जो मैसेज आपने अभी अभी रिसीव किया है अपने फ्रेंड से या किसी भी स्पीकर से, नाउ दिस इज द टाइम और दिस इज द स्टेप टू लर्न द मीनिंग ऑफ द मैसेज। जो भी आपने मैसेज को अटेन किया, जो भी मैसेज आपने रिसीव किया है, अब उस मैसेज को प्रोसेस कीजिए अपने माइंड में और समझने की कोशिश कीजिए कि उसने क्या बोला है। एकदम से उसके खत्म करते ही एकदम से जवाब मत दीजिए, एकदम से रिस्पॉन्स मत कीजिए। एक्टिव लिसनिंग के लिए जो भी आपने सुना है उसको समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड स्टेप। जनरली लोगों के साथ यही गलती होती है, जब हम किसी को सुनते हैं तो हम एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। बच्चों, रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में यही डिफरेंस होता है। रिस्पॉन्स करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से जाना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंड। व्हेन समबडी हैज कंप्लीटेड, टेक योर टाइम, फ्यू सेकेंड्स, मे बी मोर देन दैट, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द बेसिक जिस्ट ऑफ द मैसेज। दिस इज द सेकेंड स्टेप। अगर आप अपने इस स्टेज को हम इंटरप्रिटेशन स्टेज भी बोलते हैं, अगर आप अपनी इंटरप्रिटेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग स्टेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए हैं। नंबर वन, यूज कॉन्टेक्चुअल क्ल्यूज फ्रॉम द पर्सन और एनवायरमेंट टू डिसर्न एडिशनल मीनिंग। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा होता है वो काफी नहीं होता समझने के लिए, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए, उसके उसके हाव भाव से, एनवायरमेंट से, उसके बात करने के तरीके से आपको काफी सारी चीजें समझ में आ सकती हैं। तो अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो कॉन्टेक्चुअल क्ल्यूज आपकी हेल्प कर सकते हैं मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझने में। नंबर टू, बी अवेयर ऑफ हाउ अ रिलेशनल, कल्चरल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट कैन इन्फ्लुएंस द मीनिंग। आप ये समझ के देखिए कि सामने वाला व्यक्ति किस कल्चर से, किस रिलेशन, किस तरीके के एनवायरनमेंट से या फिर किस सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहा है। हो सकता है कि अभी अभी उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई हो और जो मैसेज वो आपको देना चाह रहा है आप उस लेवल को समझ ही ना पा रहे हो। तो जब तक आप उसके कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह नहीं समझेंगे, आपको मैसेज का मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। नंबर थ्री, बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द साइलेंस। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाता है तो उस साइलेंस का, उस चुप्पी का भी एक मीनिंग होता है, उस साइलेंस का भी एक मीनिंग होता है। अगर आप उस साइलेंस की मीनिंग को इग्नोर कर देंगे तो आप विश्वास मानिए आप मैसेज को कभी भी नहीं समझ सकते। सामने वाले के साइलेंस को इंटरप्रेट करना सीखिए, वो साइलेंस किस वजह से है, क्या वो कुछ बातें छुपा रहा है, क्या वो कुछ बातों को बताने में हेजिटेंट हो रहा है, क्या वो आपसे किसी चीज से डर रहा है आपको बताने में। अगर आप उन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपकी लिसनिंग, इफेक्टिव लिसनिंग हो सकती है। एंड नंबर फोर, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डिफरेंसेस इन द टोन ऑफ वॉइस एंड अदर पैरा लिंग्विस्टिक क्यूज दैट इन्फ्लुएंस मीनिंग। सामने वाला व्यक्ति जिस एंथुसियाज्म के साथ, जिस टोन ऑफ वॉइस के साथ बात कर रहा है, उससे भी आपको बहुत सारा अंदाजा लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा फील कर रहा है या फिर आपके साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। तो उसको समझने के लिए उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसके इंटोनेशन, इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप काफी हद तक चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो द सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग। इफेक्टिव लिसनिंग का जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग का मतलब क्या है? जब आपने चीजों को रिसीव कर लिया, समझ लिया, अब आपके पास टाइम है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है या समझी है, आप उसे एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो स्पीकर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो सही है, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है, कंस्ट्रक्टेड है, बाइज्ड है या अनबाइज्ड है, सही है या गलत है, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। ये अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है।
ये थर्ड स्टेप जो होता है ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसके बाद के स्टेप जो है वो प्रॉपर तरीके से वैल्यू आपके इवैल्यूएशन पे डिपेंड करेंगे। अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो इन्फॉर्मेशन आपका आपके प्रोसेस के बाद निकलता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन गलत है या ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, तो आपको आगे के प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी एनर्जी को वहां पे वेस्ट क्यों करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है या इवैल्यूएशन के थ्रू आपको पता लगता है कि इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है, देन यू कैन प्रोसेस द फर्दर स्टेप्स। तो अगर आप इवैल्यूएशन सही तरीके से करना चाहते हैं तो इवैल्यूएशन करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर वन, सेपरेट फैक्ट्स इन्फेरेंसेस एंड जजमेंट्स। जो भी आपके फैक्ट्स और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जो भी आपने समझा है, उसमें जो फैक्ट्स हैं या जो स्टैट्स हैं, आप उन चीजों को बिल्कुल सेपरेट आउट कर लीजिए, क्योंकि वही चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबर टू, बी फैमिलियर विद एंड बी एबल टू आइडेंटिफाई पर्सुएसिव स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज ऑफ रीजनिंग। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसी मूर्ख बनाने वाली किसी भी चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर एंड द मैसेज। सामने वाला व्यक्ति जो आपको सजेशन देने की कोशिश कर रहा है या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, क्या वो विश्वास योग्य है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी प्रूवन है। अगर आपको कोई फाइनेंस से रिलेटेड सजेशंस दे रहा है और उसके पास फाइनेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देन प्रोबेबली दैट इज नॉट द राइट पर्सन टू टेक द एडवाइस फ्रॉम, राइट? क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर पॉइंट और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज बी अवेयर ऑफ योर ओन बायसेस एंड हाउ योर परसेप्चुअल फिल्टर्स कैन क्रिएट बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। ऑलवेज रिमेंबर, आपके बायसेस जो हैं वो आपको एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने से रोक सकते हैं या फिर आपकी डिसीजन को हैम्पर कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन के लिए आप अपने बायसेस को अलग रख दीजिए। अगर आप ये मान के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है इसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सुन रहे हैं तो ये स्टेटमेंट थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। हो सकता है कि आपने उसको समझा ही ना हो। तो ऐसे बायसेस जो भी हैं या ऐसे जो प्रेजुडिसेस जो भी हैं उनको बिल्कुल साइड में रख दीजिए, तभी आप सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से सुन पाएंगे और उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। अदरवाइज आपके बायसेस हमेशा उसके अगेंस्ट इवैल्यूएशन देंगे, ठीक है? फोर्थ स्टेप इज रिस्पोंडिंग। नाउ रिस्पोंडिंग इज वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये वो स्टेप होता है लिसनिंग का जहां पे आपने जो भी कुछ रिसीव किया, जो भी कुछ समझा, जो भी कुछ इंटरप्रेट किया और जो इवैल्यूएट किया, उसके बेसिस पे आप सामने वाले व्यक्ति को रिस्पांस दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रिस्पांस दे रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन और रिस्पांस में अंतर होता है, ठीक है? सो द स्टेज ऑफ लिसनिंग प्रोसेस इन विच द लिसनर प्रोवाइड्स वर्बल और नॉन वर्बल रिएक्शंस, रादर आई शुड से नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्डिंग स्टेप। अगर आप सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आस्क एप्रोप्रिएट क्लैरिफाइंग एंड फॉलो अप क्वेश्चंस एंड पैराफ्रेज इन्फॉर्मेशन टू चेक अंडरस्टैंडिंग। सामने वाली व्यक्ति, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी स्पीकर, हमेशा एक अच्छा स्पीकर सामने वाले ऑडियंस को एक अपॉर्चुनिटी देता है जिससे कि वो क्वेश्चन पूछ पाए। तो जब भी कभी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, जो भी आपके डाउट्स हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए। साथ में आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। पैराफ्रेज का मतलब होता है जो भी इन्फॉर्मेशन स्पीकर ने आपको दी है आप उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको बता सकते हैं, जिससे कि सामने वाला जो स्पीकर है वो आपको क्लियर कर सके कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। नंबर टू, गिव फीडबैक दैट इज रेलेवेंट टू द स्पीकर्स पर्पस मोटिवेशन फॉर स्पीकिंग। स्पीकर को फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए, अगर बुरा लगा तो भी एकदम से बुरा मत बोलिए। सैंडविच थ्योरी होती है, सीआरसी अप्रोच, कमेंट रिकमेंड कमेंट, इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट आप उसको एकदम से बुरा नहीं बोल सकते, सामने वाले व्यक्ति ने मेहनत की है, ये कर्टेसी कहलाती है। सामने वाले व्यक्ति को हमेशा अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए। फीडबैक देना एक आर्ट होता है जो हम सीखेंगे टाइम के साथ। नंबर थ्री, अडेप्ट योर रिस्पॉन्स टू द स्पीकर एंड द कॉन्टेक्स्ट। जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ भी फीडबैक दे रहे हैं, सर आपके कपड़े तो बहुत गंदे हैं। कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, इस मोमेंट पे जब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल है या जो जिस व्यक्ति के पास बहुत अच्छी जानकारी है, उसका जो आउटर लुक है वो इतना मैटर नहीं करता। उसकी जो
ज्ञान है या उसका जो विजडम है या नॉलेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जो आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप यहाँ पे फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्पॉन्स देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट के साथ, स्पीकर के लिए एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। Step 4 यानी रिस्पॉन्डिंग को अगर आप और ज्यादा एलैबोरेट करना चाहते हैं या फिर और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, आप 3 मेथड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग, क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग। मैंने आपको बता चुका हूँ, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि स्पीकर के थॉट्स को आप अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, आई थिंक यू आर सेइंग दैट डॉट डॉट डॉट। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने गेन की है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर 2 होता है क्लैरिफाइंग। क्लैरिफाइंग का मतलब होता है जो भी आपके डाउट्स हो या जो भी आपको समझ में ना आया हो, आप क्वेश्चंस के माध्यम से उनको समझें। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। अगर आपको कोई एग्जाम्पल चाहिए तो आप इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यू जस्ट सेड दैट सच एंड सच इज इंपॉर्टेंट, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स टू यू। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके स्पीकर को थोड़ा सा और एलैबोरेट करने के लिए मजबूर करते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। नंबर 3 इज द समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक्यूरेटली और ब्रीफली समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे सेंट्रल आइडिया को। आप इस तरीके से कर सकते हैं, आई थिंक द मेन आइडिया ऑफ एंटायर इंफॉर्मेशन विच यू हैव शेयर्ड विद अस इज डॉट डॉट डॉट, जो कुछ भी आप वहां पे बोलना चाहते हैं। तो इस तरीके से सामने वाला स्पीकर जो है वो आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा सा मजबूर हो जाता है और आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो रिस्पॉन्डिंग को पूरा करने के लिए ये 3 मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज रिटेनिंग। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं या कोई भी आप एक इफेक्टिव लिसनर हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है उसको रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेन मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेमोरी में रखना, ठीक है। सो इफ यू कैन नॉट रिमेंबर समथिंग दैट वॉज सेड, यू माइट नॉट हैव बीन लिसनिंग इफेक्टिवली। अगर आप कोई चीज याद नहीं रख पा रहे हैं, देन प्रोबेबली इट वॉज नॉट द इफेक्टिव लिसनिंग। तो इफेक्टिव रिटेनिंग के लिए आप कुछ स्टेप्स यूज कर सकते हैं। नंबर 1, यूज मल्टीपल सेंसरी चैनल्स टू डिकोड मैसेज एंड मेक मोर कंप्लीट मेमोरीज। यानी आप अपने इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली रिटेन करने के लिए मल्टीपल सेंसेस यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी सेंसेस होती हैं? देखना, सुनना, बोलना। तो जितनी ज्यादा सेंसेस आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आप मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, इफेक्टिवली आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं, तो आप नोट्स बनाइए। जितने सेंसेस आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाएंगे। रिपीट, रिफ्रेज एंड रीऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन टू फिट योर कॉग्निटिव प्रेफरेंसेस। रिपीट कीजिए, रिहर्स कीजिए, उन चीजों को वहीं पर रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। यूज निमोनिक डिवाइसेज एज ए गिमिक टू हेल्प विद रिकॉल। निमोनिक डिवाइसेज का मतलब क्या होता है? निमोनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप चीजों को लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, आपने 12th क्लास में पीरियोडिक टेबल जो है वो सॉन्ग के माध्यम से याद की थी, ठीक है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप एंड BMG ब्ला 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 वॉट एवर इट इज। सो उस तरीके इनको बोलते हैं निमोनिक डिवाइसेज। तो निमोनिक मैथड्स आप यूज कर सकते हैं मैसेज को रिटेन करने के लिए। एंड नंबर 4, टेक नोट्स। नोट्स लीजिए, लिखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, जो इन्फॉर्मेशन आप रिटेन करना चाहते हैं, टेक अ नोट ऑफ दैट। सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिटेनिंग। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम एन एक्टिव लिसनर, सो एक्टिव लिसनर बनने के लिए एक इन्फोग्राफिक्स है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो एक्टिव लिसनिंग के लिए सबसे पहला स्टेप है पे अटेंशन। आप सामने वाले व्यक्ति को पूरी अटेंशन दीजिए। शो दैट यू आर लिसनिंग। नॉन वर्बल साइंस और वर्बल साइंस के थ्रू आप सामने वाले को दिखाइए कि आप सच में सुन रहे हैं। नंबर 3, प्रोवाइड फीडबैक। सामने वाले व्यक्ति को फीडबैक दीजिए जिस भी तरीके से आप देना चाहते हैं। नंबर 4, डिफर जजमेंट। एकदम से जजमेंटल मत बनिए सामने वाले व्यक्ति पे। एकदम कोई जजमेंट पास मत कीजिए कि यार ये तो बेकार बोल रहा है, क्या सुने इसको, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, सुनिए उसको। नंबर 5, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। रेस्पेक्टफुल होके उस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड कीजिए। जो भी व्यक्ति बोलता है वो मेहनत करके बोलता है, तो जब भी वो बोलता है तो उसको सुनिए, रेस्पेक्टफुल होके सुनिए। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो भी रेस्पेक्टफुल रहिए, नहीं आ रही है तो भी रेस्पेक्टफुल रहिए, ये कर्टसी कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हैं। सो कमिंग टू द बैरियर्स टू इफेक्टिव और एक्टिव लिसनिंग। अगर आप बैरियर्स की बात करें,
कौन कौन सी बैरियर्स हो सकते हैं आपके इफेक्टिव लिसनर बनने में? लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं, आप एक एक्टिव लिसनर नहीं बन पाएंगे। नंबर टू, लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। आपकी प्रायोरिटी, आपको जाना तो है रेस्टोरेंट में और आप एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, आपकी प्रायोरिटी कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप इफेक्टिव लिसनर नहीं बन पाएंगे। पुअर जजमेंट, आप सुनने से पहले ही, और जो स्पीकर है उस स्पीकर को देखकर ही आप उसके बारे में जजमेंट पास कर रहे हैं, अरे यार ये तो एजुकेटेड सा भी नहीं लग रहा है, क्या बोलेगा। अब अगर आप उसको सुनने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप इफेक्टिवली नहीं सुन पाएंगे। तो प्लीज अपने जजमेंट को डेफर कीजिए, अपने जजमेंट को रोकिए और कोई भी जजमेंट पास मत कीजिए। फोकसिंग ऑन द स्टाइल एंड नॉट द कंटेंट और क्वालिटी। जब आप सामने वाले व्यक्ति की बातों में गलतियां निकालने लगते हैं या फिर उसके स्टाइल पे कमेंट करने लगते हैं, तो जो वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना चाह रहा है आप उसको नहीं समझ पाते। तो क्वालिटी पे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के ऊपर आप फोकस कीजिए, उसके स्टाइल पे फोकस मत कीजिए। प्रेजुडिसेस एंड बायसेस। अगर आपके मन में ये पहले से एक प्रेजुडिस या बायसेस बने हुए हैं कि भाई ये तो लड़की है या ये तो गर्ल है, शी इज अ गर्ल प्रोफेसर, ये कहाँ अच्छे से समझा पाएगी, एक बॉय प्रोफेसर अच्छे से समझा सकता है। ये जो प्रेजुडिसेस या ये जो बायसेस होते हैं, ये आपके बहुत बड़ी अड़चन पैदा करते हैं या बहुत बड़े बैरियर्स होते हैं आपकी इफेक्टिव लिसनिंग में। एक और टर्म आपको जनरली देखने के लिए मिलेगी जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है कि आप कॉन्वर्सेशन से या किसी भी स्पीच से या किसी भी चीज से आप केवल वही चीज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी वैल्यूज और आपकी बिलीफ को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर है तो अगर वो किसी कॉन्फ्रेंस में बैठा है और वहां पे मोदी जी के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें बताई जाती हैं, तो वो बुरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा और वो केवल अच्छी बातों को गेन करेगा, अच्छी बातों को सुनेगा और उन्हीं से वो जजमेंट देने की कोशिश करेगा या रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। बट ये गलत है। ऐसे इन्फॉर्मेशन गेनिंग को, ऐसी लिसनिंग को हम बेसिकली कन्फर्मेशन बायस बोलते हैं। ठीक है, आप वही सुनना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं आप केवल वही सुन रहे हैं और उसी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको दोनों साइड से देखनी चाहिए, क्रिटिकल लिसनर बनना चाहिए, आपको हर साइड देखनी चाहिए और तब जाके आपको अपना रिस्पॉन्स वहां पे देना चाहिए। स्टाइल्स ऑफ लिसनिंग। आपके कई तरह के स्टाइल्स हो सकते हैं सुनने के, ठीक है, अलग अलग तरह के लिसनर्स हो सकते हैं। पीपल ओरिएंटेड लिसनर। पीपल ओरिएंटेड लिसनर वो होते हैं जो लोगों से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने मोदी जी बोल रहे हैं और मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता हूं, तो मैं मोदी जी को बहुत ध्यान से सुनूंगा। लेकिन मोदी जी के अलावा अगर कोई अपोजिशन पार्टी का बंदा बोल रहा है तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। तो मैं पीपल ओरिएंटेड लिसनर हूं। एक्शन ओरिएंटेड लिसनर। एक्शन ओरिएंटेड लिसनर जो होते हैं उनको हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रिसाइज और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर उनसे कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की घुमा घुमा के बातें कर रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सीधे पॉइंट पे आइए। तो जिनको केवल एक्शन ओरिएंटेड या फिर ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपके कहलाते हैं एक्शन ओरिएंटेड लिसनर। तीसरी तरह के लिसनर होते हैं कंटेंट ओरिएंटेड लिसनर। कंटेंट ओरिएंटेड लिसनर जो होते हैं उनको केवल इन्फॉर्मेशन से मतलब होता है, ठीक है, जो भी लाइक एनालिटिकल या कॉम्प्लेक्स मैसेजेस होते हैं उनको एनालाइज करने में उनको मजा आता है। वो क्या करते हैं, वो आपके, जैसे मान लीजिए कोई फिलोसॉफिकल या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्पीकर है, उसको जब आप सुनेंगे तो वहां इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ता है। तो वहां पे केवल वही लोग मिलेंगे आपको जो कंटेंट ओरिएंटेड होते हैं। एंड नंबर फोर आर द टाइम ओरिएंटेड। टाइम ओरिएंटेड लोग वो होते हैं जो कम से कम इन्फॉर्मेशन में, या फिर जैसे मान लीजिए 15 मिनट के अंदर उनको कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन आपको सुनते रहेंगे, उनके पास 10 टू 15 मिनट्स होते हैं जिसमें आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो ऐसे लिसनर्स कहलाते हैं टाइम ओरिएंटेड लिसनर। हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो डूज क्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं, मेक आई कॉन्टेक्ट, हमेशा आई कॉन्टेक्ट बनाइए, आस्क क्वेश्चंस एट द एप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछिए, शो दैट यू अंडरस्टैंड पॉजिटिव नॉन वर्बल क्यूज। आप अपने पॉजिटिव नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि आप एक्चुअल में सुन रहे हैं। लिसन विदाउट प्रेजुडिसेस एंड बायसेस। जो भी आपके दिमाग में प्रेजुडिसेस या बायसेस हैं उनको साइड में रख दीजिए। लिसन विद ओपन माइंड, हमेशा एक खुले दिमाग के साथ सुनिए, ऐसा नहीं है कि पहले से ही जजमेंट बना के बैठे हैं। एंड द लास्ट वन इज टेक नोट्स इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो आप नोट्स जरूर लीजिए, वो रिटेन करने में आपकी मदद करेगा। डोंट्स, डू नॉट प्रेडिक्ट बिफोर लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनने से पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए कि क्या होने वाला है। बी जजमेंटल एंड जज द स्पीकर। डू नॉट
बी जजमेंटल। जजमेंटल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्पीकर को जज करने की कोशिश मत कीजिए, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। डू नॉट इंटरप्ट, इंटरप्ट बिल्कुल मत कीजिए, सामने वाले को पूरा मौका दीजिए बोलने का। एंड लिसन टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट, रिस्पॉन्स करने के लिए आप सुनिए, रिएक्ट करने के लिए नहीं। रिएक्ट और रिस्पॉन्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप रिएक्ट करते हैं देन यू आर बिकमिंग क्रिटिकल और यू आर बीइंग नेगेटिव अबाउट द स्पीकर। व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग यू आर एक्चुअली पिकिंग आउट ओनली द पॉजिटिव थिंग्स। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिसनिंग। नाउ वी आर कमिंग टू द स्पीकिंग, स्पीकिंग स्किल्स। ये जो लिसनिंग स्किल्स हमने किया है, जनरली इसी में से आपके क्वेश्चंस, यही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप उनको रिव्यू दोबारा से कर सकते हैं। ऑडियो फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो नाउ कमिंग टू द सेक्शन 2 व्हिच इज स्पीकिंग। व्हाट इज स्पीकिंग? स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अलाउ अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। आपने सुन लिया, लेकिन अब आप बोलना चाहते हैं, जब आप बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि लिसनिंग स्किल्स ही वो होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं या हमें एबिलिटी देते हैं टू कन्वे इंफॉर्मेशन वर्बली इन अ वे दैट लिसनर कैन अंडरस्टैंड। आप अगर सामने वाले व्यक्ति को समझा पा रहे हैं तभी आप एक अच्छे स्पीकर हैं। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, चाहे आप कितना भी फ्लुएंटली बोलते हो, चाहे आप कितना भी अच्छे तरीके से बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला अगर समझ रहा है तो आप अच्छे स्पीकर हैं। स्पीकिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड इफ नेसेसरी एक्टेड अपॉन बाय द लिसनर। जब भी कभी आप बोलते हैं तो आप एक ऑब्जेक्टिव के साथ बोलते हैं। आपके बोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे मेरे बोलने का ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए और जो भी आप सुन रहे हैं आप उसको लंबे समय तक अपने माइंड में रख सकें और आप उसको अप्लाई कर सकें अपने इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। तो हर स्पीकिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जहां पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और अगर जरूरत होती है तो उस इंफॉर्मेशन पे कोई एक्शन लेने के लिए भी कहा जाता है। जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, आप उस टेस्ट के थ्रू खुद को एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्शन भी लिया जा सकता है। सो नाउ स्पीकिंग स्किल्स में आपका जो सिलेबस है वहां पे जनरली प्रोनंसिएशन पे, लिंग्विस्टिक्स पे, इन सब चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया गया है आपके सिलेबस के पार्ट में, यही है। तो हम यहाँ पे प्रोनंसिएशन के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, केवल आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि प्रोनंसिएशन क्या होता है, आपको प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए कुछ वर्ड्स को या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोनंसिएशन के रूल्स होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस में प्रोनंसिएशन लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको प्रोनंसिएशन का डिक्शनरी मीनिंग पता हो, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ प्रोनंसिएशन के रूल्स भी पता हो जिससे कि आप सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाए। ठीक है, सो व्हाट इज प्रोनंसिएशन? प्रोनंसिएशन रेफर्स टू द वे इन विच वी मेक द साउंड ऑफ द वर्ड्स। जो हमारे वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को किस तरीके से हम बोल सकते हैं या किस तरीके से हमें बोलना चाहिए, वही बेसिकली प्रोनंसिएशन कहलाता है। To pronounce words, we push air from our lungs up through our throat and vocal cords, through our mouth, past our tongue, out between our teeth and lips. एक्चुअल में जो प्रोनंसिएशन का प्रोसेस होता है वो हमारे लंग्स से स्टार्ट होता है, हमारे फेफड़ों से स्टार्ट होता है, हमारे वोकल कोड, हमारे थ्रोट में वोकल कोड होता है, वहां से होता हुआ वो हमारे माउथ में आता है एंड देन हमारे टंग पे, बिटवीन आर टीथ एंड लिप्स एंड देन इट कम्स आउट। तो प्रोनंसिएशन में आपकी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कभी कभी जो आपका बोलने का प्रोसेस होता है, प्रोनाउंस करने का प्रोसेस होता है, उसमें आपकी माउथ और आपकी नोज, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप नोज बंद करके बोलने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा नोज का यूज करते हैं बोलने में तो आपका जो नेसल प्रोनंसिएशन है वो काफी हद तक बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत ही डिफरेंट लगेगा। ठीक है, To change the sound that we are making, we mainly use the muscles of our mouth, tongue and lips to control the shape of our mouth and flow of air. जब हम बोलते हैं, pronounce करते हैं, तो हम अपने lips, teeth और अपने mouth की shape से अपने pronunciation को control करते हैं, air को control करते हैं और उस air के through हमारा pronunciation बनता है. If we can control the shape of our mouth and the flow of air correctly, then our pronunciation is clearer and other people understand us more effectively और easily. अगर हम अपने mouth की shape को, अपने lips, basically देखा जाए तो mouth की shape को अगर हम change कर सकते हैं
या फिर एयर के फ्लो को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम प्रोनंसिएशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रोनंसिएशन सही करने का फायदा क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपको समझ पाए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको समझ पा रहा है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और उसको समझाने के लिए आपका प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए, तभी तो वो समझ पाएगा। ये चीज आप अभी एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। सो व्हेन वी स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज आवर मसल्स मे नॉट बी वेल डेवलप्ड फॉर दैट लैंग्वेज एंड वी विल फाइंड प्रोनंसिएशन मोर डिफिकल्ट। जनरली लोग प्रोनंसिएशन में गलती क्यों करते हैं? हर लैंग्वेज के लिए अलग टाइप्स की मसल, हर लैंग्वेज को बोलने के लिए अलग टाइप की मसल्स यूज होती हैं। हिंदी को बोलने के लिए अलग टाइप की मसल्स यूज होती हैं, और आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बोलने के लिए अलग टाइप की मसल्स यूज होती हैं। तो जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनकी मसल्स इंग्लिश बोलने के लिए डेवलप्ड नहीं होती, इसीलिए उनको इंग्लिश के प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से आप अपनी मसल्स बना सकते हैं, चाहे वो आपके बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, चाहे वो आपके वोकल मसल्स हो, तो वोकल मसल्स को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं और आप अपने प्रोनंसिएशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो प्रोनंसिएशन में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? प्रोनंसिएशन में अगर आप अपने आप को स्किल करना चाहते हैं तो प्रोनंसिएशन में वर्ड स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि किस तरीके से सिलेबल, कौन से सिलेबल पे हम वर्ड, कौन से सिलेबल पे हम स्ट्रेस डालें। सेंटेंस स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिंकिंग, ज्वाइनिंग द सर्टेन वर्ड्स टुगेदर, किस तरीके से ज्वाइन करके हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। एंड इंटोनेशन, यानी राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस एज वी स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं अभी। ह्यूमन स्पीच सिस्टम, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा हमें ह्यूमन स्पीच सिस्टम के बारे में जान लेना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एवरी वर्ड दैट वी स्पीक वी कैन ट्रैक द फ्लो ऑफ एयर। जो भी वर्ड हम बोलते हैं हम उसमें जो एयर का फ्लो होता है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? हमारी जो एयर होती है सबसे पहले वो माउथ या नोज के थ्रू अंदर जाती है। इट गोज डाउन आर विंड पाइप टू आर लंग्स, हमारे विंड पाइप से होती हुई वो लंग्स में जाती है। देन वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए आप उस एयर को बाहर निकालते हैं। हमेशा याद रखिए, आप जो प्रोनंसिएशन करते हैं वो प्रोनंसिएशन एक्सहेलेशन के दौरान करते हैं, जिस समय आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। ठीक है, तो सांस को बाहर की तरफ छोड़ने वाला जो प्रोसेस होता है वही बेसिकली आपका प्रोनंसिएशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें आप यूज करते हैं, अपने लंग्स, आपके जो फेफड़े होते हैं जिनमें आप एयर को सक करते हैं, नंबर टू योर वॉइस बॉक्स, एंड नंबर थ्री योर वॉइस ट्रैक्ट। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आप यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं राइट साइड में, लेफ्ट, इसमें राइट साइड में जो सबसे नीचे वो आपके लंग्स हैं, देन उससे ऊपर वाला जो आपका लाइक पूरा वोकल ट्रैक्ट है, सॉरी जो आपका वॉइस बॉक्स है, एंड नंबर थ्री पे आपका है वोकल ट्रैक्ट, जहां से आप बोलते हैं। नेसल कैविटी और ओरल कैविटी, इन दोनों को मिला के आप वोकल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो लंग्स क्या है? आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। वॉइस बॉक्स क्या है? मैं आपको बता चुका हूं, वॉइस बॉक्स वो है जहां से आपकी एयर लंग्स से वोकल ट्रैक्ट की तरफ जाती है। एंड देन जो आपका वोकल ट्रैक्ट है, इस वोकल ट्रैक्ट में माउथ यानी ओरल कैविटी आती है। इस ओरल कैविटी में आपके टंग, टीथ, लिप्स, ये तीन चीजें होती हैं जो आपकी बोलने में आपकी मदद करती हैं, आपके प्रोनंसिएशन में आपकी मदद करती हैं। एंड देन योर नोज, विच इज कॉल्ड द नेसल कैविटी, जिसके थ्रू आप, इन दोनों की हेल्प से आप बोलते हैं। टोटल वोकल ट्रैक्ट आपकी हेल्प करता है। अब ये जो वोकल ट्रैक्ट होता है बच्चों, इस वोकल ट्रैक्ट में जब एयर आती है तो वो एयर आपकी रेजोनेट करती है, और रेजोनेट करके वो दो तरह की साउंड्स आपकी प्रोड्यूस करती है। दो तरह की स्पीच साउंड्स होती हैं। एक साउंड्स होती हैं आपकी वाउल्स, और दूसरी साउंड्स होती हैं आपकी कॉन्सनेंट्स। तो इन वाउल साउंड और कॉन्सनेंट साउंड्स के बेसिस पे ही आपका अल्फाबेट या फिर आईपीए आपका बनता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया ह्यूमन का स्पीच सिस्टम क्या होता है, अब लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रीहेंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी आपके जो स्पोकन और रिटन वर्ड्स होते हैं उनको बोलने की या उनको समझने की जो आपका एक मीडियम होता है वो आपकी लैंग्वेज कहलाती है। और जब हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, so language is the ability to produce and comprehend both spoken and written words. Language shapes our social interactions and brings order to our lives. Basically देखा जाए तो बिना language के हमारी social life possible नहीं है। तो language plays a very important role in creating the social relationship.
ठीक है. टू ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट मेक लैंग्वेज यूनिक आर ग्रामर एंड लैक्सिकॉन. ग्रामर और लैक्सिकॉन दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपकी लैंग्वेज को स्पेसिफिक बनाती हैं. ग्रामर क्या होता है सबको पता है. ग्रामर इज बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स, ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो आपके वर्ड्स को सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस को प्रॉपर पैराग्राफ्स में, या फिर पैराग्राफ्स को प्रॉपर स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ऐड करते हैं. जिन रूल्स के माध्यम से आप अपने वर्ड्स को ऐड करते हैं और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं, वही बेसिकली आपका ग्रामर कहलाता है. ठीक है, हर लैंग्वेज का अपनी ग्रामर होता है, हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से ही हम सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे हमें पता है जब हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम अपने रूल्स बनाते हैं या इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं. तो ये जो रूल होता है यही बेसिकली आपका ग्रामर कहलाता है. तो ये रूल आपके हर लेवल पे होते हैं. वर्ड फॉर्मेशन कैसे होना है, फ्रेज फॉर्मेशन कैसे होना है और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होना है, ये सब आपके ग्रामर के थ्रू होता है. देन कम्स योर लैक्सिकन. लैक्सिकन इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. आपके किसी भी लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स होते हैं उनके कलेक्शन को आप लैक्सिकन बोलते हैं. तो एक तरह से देखा जाए तो जो एंटायर वोकैबुलरी होती है किसी भी लैंग्वेज की, उसी को हम लैक्सिकन बोलते हैं. ठीक है, तो लैक्सिकन इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ग्रामर इज बेसिकली द लाइक रूल्स विच कनेक्ट और विच कंबाइन दीज वर्ड्स इन अ प्रॉपर लॉजिकल अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर. तो जब हम एक लैक्सिकन, एक प्रॉपर वोकैबुलरी को ग्रामर के माध्यम से जोड़ते हैं, तब हमारी प्रॉपर लैंग्वेज बनती है. लिंग्विस्टिक्स बेसिक्स. अब लिंग्विस्टिक्स के कुछ बेसिक फ्रेजेस के बारे में, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं. लिंग्विस्टिक क्या होती है? लैंग्वेज की जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम उसको लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स व्यूज लैंग्वेज इन एन ऑब्जेक्टिव वे यूजिंग द साइंटिफिक मैथड एंड रिगरस रिसर्च टू फॉर्म थियोरीज अबाउट हाउ ह्यूमन एक्वायर यूज एंड समटाइम्स अब्यूज लैंग्वेज. तो बेसिकली देखा जाए तो लिंग्विस्टिक जो है वो साइंटिफिक स्टडी होती है आपकी लैंग्वेज की, किस तरीके से लैंग्वेज को ह्यूमन यूज करते हैं, किस तरीके से वो उसका अब्यूज करते हैं और किस तरीके से उसमें डेवलपमेंट हुआ है. मेजर ब्रांचेस जो लिंग्विस्टिक्स की होती हैं बेसिकली वो आपकी कौन कौन सी होती हैं, ये आपको जो राइट हैंड साइड पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है आप इसमें देख सकते हैं. फर्स्ट इज द फोनेटिक्स, सेकेंड इज द फोनोलॉजी, थर्ड इज द मॉर्फोलॉजी, फोर्थ इज द सिंटैक्स, फिफ्थ इज द सिमेंटिक्स एंड सिक्स्थ इज द प्रैग्मेटिक्स. सो फोनेटिक्स क्या होता है? जब हम स्पीच साउंड्स के बारे में बात करते हैं तो वो फोनेटिक्स कहलाता है, हालांकि हम अभी और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. फोनोलॉजी आपका फोनीम्स से रिलेटेड होता है. मॉर्फोलॉजी आपकी वर्ड्स की स्टडी होती है. सिंटैक्स जो होता है वो आपके फ्रेजेस एंड सेंटेंस की स्टडी होता है. सिमेंटिक्स जो होता है वो बेसिकली आपके फ्रेजेस और सेंटेंसेस का जो लिटरल मीनिंग होता है उस मीनिंग की जब आप स्टडी करते हैं. और प्रैग्मेटिक्स जो होता है वो बेसिकली आपके कॉन्टेक्चुअल स्टडी के बारे में आपका डिस्कशन होता है. तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं. सबसे पहले आते हैं हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पे. फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स. तो जब आप इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स की स्टडी करते हैं तो वो आपका फोनेटिक्स कहलाता है. ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन जो होते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके, लिप्स, टंग्स, टीथ, इन सब चीजों को यूज करके किस तरीके से वो बेसिकली साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं, वही बेसिकली फोनेटिक्स में हम पढ़ते हैं. फोनेटिक्स इज द टर्म फॉर द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड, पर्टिकुलरली How sounds are produced, transmitted and received. किस तरीके से आप साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं. A phoneme is the smallest unit in the sound system of a language. For example, the T sound in the word top. Phoneme जो होता है वो बेसिकली आपके साउंड सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है. जैसे टॉप, टॉप में ट की जो आवाज है या टॉक की जो साउंड है टी से रिप्रेजेंट हो रही है, तो टी यहां पे फोनीम है, प यहां पे दूसरा फोनीम होगा. ठीक है, सो जो भी सबसे छोटी यूनिट होती है साउंड की वो आपकी फोनीम कहलाती है. वेरियस फोनेटिक अल्फाबेट्स हैव बीन डेवलप्ड टू रिप्रेजेंट एंड स्पीच साउंड्स इन राइटिंग थ्रू द यूज ऑफ सिंबल्स. फोनेटिक साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज होते हैं. ये सिंबल्स जो होते हैं बेसिकली डिसाइड होते हैं आपके आईपीए के द्वारा
जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इस इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में आप जो साउंड्स हैं उन साउंड्स को अलग अलग सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे आपका जो ये थीटा साउंड होती है, थीटा सिंबल से जो दिखाया जाता है, ये बेसिकली टीएच साउंड को रिप्रेजेंट करती है। टीएच कैसे? जैसे जो आपका थिन वर्ड है, इस थिन वर्ड में टीएच की जो साउंड है थ जो है वो इस वाले सिंबल यानी थीटा की हेल्प से आप रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से थॉट के अंदर जो टीएच की साउंड है वो भी आप इसी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपका सिंबल है, ये सिंबल आपकी टीएच वाली द साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द में टीएच जो है वो द की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से देन में टीएच जो है वो द की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्त द को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये डेल्टा टाइप का जो सिंबल होता है, अभी मैं जो इनके प्रॉपर नेम्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट वुड बी टू डीप, राइट। सो अभी जो हमारे सिलेबस का पार्ट है हम उसी को ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपकी साउंड्स होती हैं, इन साउंड्स को बेसिकली हम बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट, राइट। सो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन अभी बाद में करेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नाउ कमिंग टू द फोनोलॉजी। फोनोलॉजी या फोनोलॉजी एक स्टडी होती है फोनीम्स की। फोनीम्स अभी मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी साउंड की जो यूनिट होती है, जब आप उसकी स्टडी करते हैं तो वो आपकी फोनोलॉजी कहलाता है, विच आर द स्पीच साउंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल लैंग्वेज, राइट। सो फोनोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द मेंटल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड प्रोसेसिंग स्पीच साउंड्स विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। यानी जब आप एक मेंटल सिस्टम को या फिर जब आप एक लाइक स्पीच प्रोसेसेस की साउंड्स को स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो वो आपकी फोनोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट कम्स टू बी द मॉर्फोलॉजी। नाउ मॉर्फोलॉजी इज समथिंग द स्टडी ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। जब आप वर्ड्स की स्ट्रक्चर को, वर्ड्स किस तरीके से बनते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट, इन सब चीजों के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर जब आप उन वर्ड्स की रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे होते हैं, क्या वो एडजेक्टिव हैं, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो सब चीजें आपकी मॉर्फोलॉजी में आती हैं। इट एनालाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, द पार्ट ऑफ वर्ड्स सच एज द स्टेम, रूट, वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। ये जो होते हैं आपके लाइक कोई भी वर्ड जो होता है वो हमेशा प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट से मिलकर बना होता है, तो उनकी जो स्टडी होती है वो आपकी मॉर्फोलॉजी में होती है। मॉर्फोलॉजी ऑल्सो लुक्स एट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। मॉर्फोलॉजी जो होती है आपके वर्ड के किस पार्ट पे आपको स्ट्रेस देना है, कहाँ पे आपको इंटोनेशन क्रिएट करना है, किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट आपको यूज करना है, वो सारी चीजें और वर्ड के प्रोनंसिएशन और उसके मीनिंग, इन सब चीजों पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाता है, वही आपकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। नाउ जैसे फोनीम होता है, बिल्कुल इसी तरीके से मॉर्फीम एक चीज होती है। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड विद अ मीनिंग। फोनीम जो होता है उसमें जो वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है प्रोनंसिएशन की, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में ट जो था, ट का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, लेकिन जो मॉर्फीन होता है, इस मॉर्फीन में, मॉर्फीन भी आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी वर्ड की या किसी भी स्पेसिफिक लाइक स्ट्रक्चर की, लेकिन इसका अपना एक मीनिंग होता है जो कि प्रॉपर तरीके से अपना एक मैसेज कन्वे करता है। नेक्स्ट इज द सिंटैक्स। Now, syntax is the study of sentences and phrases. Syntax का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आपके sentences और phrases बनते हैं, ठीक है? Phrases, I hope आप जानते होंगे phrases and clauses क्या होते हैं, soft skills first में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो phrases की study या sentence जो बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से words को right order में लगाया जा सकता है जिससे कि वो एक meaningful expression बन सके, वही आपका syntax कहलाता है, ठीक है? आपके हर लैंग्वेज के अलग सिंटैक्स, अलग मॉर्फोलॉजिकल रूल्स और अलग ग्रामर होता है। सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स स्टडीज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स विद इन सेंटेंस, वेयर एज प्रैग्मेटिक्स स्टडीज द सेम वर्ड्स एंड मीनिंग्स बट विद एम्फेसिस ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट एज वेल। सिमेंटिक्स में हम केवल वर्ड्स और उसके मीनिंग्स की स्टडी करते हैं, किस तरीके से उनको सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रैग्मेटिक्स में उन वर्ड्स के साथ साथ, वर्ड्स और मीनिंग्स के साथ साथ, हम उन वर्ड्स और मीनिंग्स के कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की पूरी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने बोला फायर, अब फायर जो है इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है आग और दूसरा होता है किसी को जॉब से निकालना।
तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्यक्ति फायर किस सेंस में बोल रहा है। अगर वो फायर जॉब के सेंस में बोल रहा है तो यहाँ पे फायर का मीनिंग होगा टू एक्सपेल फ्रॉम द जॉब और टू सैक फ्रॉम द जॉब। लेकिन अगर वो कॉन्टेक्स्ट किसी और के रिस्पेक्ट में बोल रहा है या किसी किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो वहां पे फायर का मतलब होगा आग लगना। सो ये जो कॉन्टेक्स्ट की जो स्टडी हम करते हैं वो प्रैग्मेटिक्स में करते हैं। ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे हम डिस्कस करते हैं। द फाइव मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज आर फोनीम्स, मॉर्फीम्स, लेक्सीम्स, सिंटेक्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ये पांच इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं आपके लैंग्वेज के। फोनीम्स और मॉर्फीम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट देम वंस अगेन। सो फोनीम्स क्या होते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट मे कॉज अ चेंज ऑफ मीनिंग विद इन अ लैंग्वेज बट दैट डज नॉट हैव अ मीनिंग बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, बेक एंड ब्रेक, अगर आप इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखें, बेक एंड ब्रेक, तो इन दोनों में सिर्फ आर का डिफरेंस है, पहले वाले में आर नहीं है, दूसरे वाले में आर है। तो ये जो आर की जो साउंड है ये आपकी फनीम कहलाती है, लेकिन इस आर की साउंड को कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, बट इस फनीम के चेंज होने से पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है बेक और ब्रेक का। ठीक है, तो इसी चीज को हम बेसिकली बोलते हैं, इसी चीज की स्टडी को हम बोलते हैं फोनेटिक्स। Coming to the next point, morphemes. Morphemes, जैसे कि मैंने आपको बताया था, basic unit of morphology, words की जो सबसे छोटी unit होती है, but यहाँ पे ये unit meaningful होती है, ठीक है? तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि morpheme जो है, वो काफी सारे जो phonemes होते हैं, उनका basically एक combination होता है, meaningful combination होता है, ठीक है? If a morpheme is altered in any way, the entire meaning of the word can be changed. अगर आपने मॉर्फीन को अल्टर कर दिया तो पूरी तरीके से आपके वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। सो सम मॉर्फीम्स आर इंडिविजुअल वर्ड्स, कुछ मॉर्फीम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ईट एंड वाटर, ये आपके मॉर्फीम्स ही कहलाएंगे और इनको हम फ्री मॉर्फीम्स बोलते हैं। अदर मॉर्फीम्स आर प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और अदर लिंग्विस्टिक पीसेस, जैसे रिकलेक्ट। अब रिकलेक्ट में जो री वर्ड है या जो री पार्ट है वो बेसिकली आपका एक मॉर्फीम कहलाता है, और जहां पे भी री पार्ट आएगा उसका मतलब होगा रिपीट करना। ठीक है, तो रिकलेक्ट का मतलब दोबारा से कलेक्ट करना या फिर किसी चीज को रिकॉल करना। तो ये री जो है ये बेसिकली आपका एक मॉर्फीम कहलाता है, और इस मॉर्फीम को हम जहां पे भी यूज करेंगे वो एक सिमिलर टाइप का मीनिंग हमें देगा, यानी इसके साथ एक मीनिंग एसोसिएटेड है। ठीक है, ऐसे जो मॉर्फीम्स होते हैं जो जिनका अकेले में कोई मीनिंग नहीं होता या फिर अकेले में वो प्रॉपर मीनिंग को कन्वे ना कर पाए, उनको हम बाउंड मॉर्फीम्स बोलते हैं। जो आपके बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं वो भी आपके बेसिकली डेरिवेशनल और इनफ्लेक्शनल होते हैं, बट इसको मैं यहाँ पे नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा और डेप्थ में हो जाएगा, सो लेट्स लीव इट। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैम। कमिंग टू द लेक्सीम्स, नाउ लेक्सीम्स आर द सेट ऑफ इनफ्लेक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय द सिंगल वर्ड। इनफ्लेक्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बनती है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे बोला एक वर्ड रन, नाउ रन की इनफ्लेक्टेड फॉर्म रनिंग हो सकती है, रैन हो सकती है। ठीक है, तो रन, रनिंग एंड रैन ये तीनों इनफ्लेक्टेड फॉर्म है, मतलब ये तीनों का मतलब जनरली एक ही होता है, बट ये केवल टेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर मैं रन से रनर बनाऊंगा तो यहाँ पे ये इसकी इनफ्लेक्टेड फॉर्म नहीं है, रन एक प्रॉपर तरीके से एक डिफरेंट वर्ड हो गया और रनर जो है वो एक डिफरेंट वर्ड हो गया। तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं इन दोनों में जो डिफरेंस है वही बेसिकली आपका लेक्सेमिक डिफरेंस कहलाता है, या फिर इन दोनों को ही हम लेक्सीम्स बोलते हैं। तो लेक्सीम्स का मतलब क्या होता है? एक लेक्सीम वो होता है जो सेम डिक्शनरी एंट्री के अंदर में मिल जाए, तो रन, रनिंग एंड रैन ये तीनों आपके लेक्सीम्स कहलाते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ इनफ्लेक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय अ सिंगल वर्ड, जैसे प्ले, प्लेइंग एंड प्लेड, ये तीनों जो हैं आपके लेक्सीम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक लेक्सीम जो होगा उसके अंदर कई सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे जिनका सिमिलर मीनिंग होता है। द सेट ऑफ वर्ड्स दैट वुड बी इंक्लूडेड अंडर वन एंट्री इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में अगर आप प्लेड देखेंगे तो वहीं पे आपको प्लेड का मीनिंग और प्लेइंग का मीनिंग मिल जाएगा, इसलिए इनको हम बोलते हैं लेक्सीम्स।
सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फुल सेंटेंस आउट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस. वर्ड्स और फ्रेजेस को मिला के जो फुल सेंटेंस बनता है वही आपकी सिंटेक्स की स्टडी कहलाती है. ठीक है, इसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं तो मैं इसको और यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा. राइट, सो यू कैन गो थ्रू दिस, दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज जस्ट फॉर यू, वो आप याद रख सकते हैं. बट एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, सिंटेक्स का मतलब वर्ड ऑर्डर से भी होता है. आपके वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए. अगर वर्ड्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो ये जो वर्ड्स का ऑर्डर होता है वही बेसिकली सिंटेक्स को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ द बेबी एट द कैरेट, तो यानी बच्चे ने गाजर खाई. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें ऑर्डर थोड़ा बहुत भी चेंज कर देता हूँ, द कैरेट एट द बेबी, यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग दे रहा है. तो ये जो वर्ड का ऑर्डर है ये कैसे डिसाइड होता है, ये बेसिकली सिंटेक्स के थ्रू डिसाइड होता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है हाउ एवरीथिंग विद इन लैंग्वेज वर्क्स टूगेदर टू कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग. एक पर्टिकुलर मीनिंग को समझने के लिए आपको जिस एनवायरमेंट की या जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है वो आपका कॉन्टेक्स्ट कहलाता है. कॉन्टेक्स्ट में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड द वर्ड्स बीइंग यूज्ड. जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं, आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है. सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ अ पर्सन सेज समथिंग, holds his or her body and emphasizes certain points of sentence, a variety of different messages can be conveyed. आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, किस तरीके से आप मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं, वो सारी चीजें मिलके आपके मैसेज का फाइनल मीनिंग तय करते हैं. ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं ऑसम, ये ऑसम बोलते टाइम अगर आप स्माइल कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट है, इरेक्ट है, तो वो ऑसम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा. लेकिन अगर ऑसम बोलते हुए आप बहुत ही लाउजी फील कर रहे हैं, आपके चेहरे पे सैडनेस है, देन इट विल नॉट गिव एनी इम्पैक्ट. राइट, इट विल जस्ट अ वर्ड. सो वो वहां पे कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस आ जाता है. नाउ कमिंग टू द स्पीच साउंड, हमारी इंग्लिश में 44 डिफरेंट स्पीच साउंड्स होती हैं, जो मैंने IPA के बारे में बताया था. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, 44 डिफरेंट साउंड्स होती है लेकिन 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में. इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. तो एक तरीके से देखा जाए तो 26 लेटर जो हैं वो अपने आप में पूरे नहीं पड़ते आपकी स्पीच साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. इसीलिए स्पीच साउंड्स जो होती हैं वो 44 होती हैं. और वो 44 स्पीच साउंड्स कौन सी होती हैं, मैं अभी आपको IPA का पूरा, ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, इसको मैं अभी एक्सपेंड करके दिखाऊंगा. IPA का, IPA मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसके अंदर पूरे 44 डिफरेंट साउंड्स होती हैं, वो साउंड्स हम यहाँ पे अभी देखेंगे. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीच एंड प्रोनंसिएशन वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड्स ऑफ द फोनेटिक चार्ट, नॉट द लेटर्स और द अल्फाबेट. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी कभी आप बोलने वाली स्पीकिंग स्किल्स की बात कर रहे होते हैं या फिर स्पीच की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे अल्फाबेट प्ले में नहीं आता, वहां पे आता है फोनेटिक चार्ट प्ले में. यानी जो भी आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं देन में TH की साउंड द, तो वो द साउंड का कोई अल्फाबेट नहीं है, डी से द नहीं बन सकता. ठीक है, तो कभी कभी बच्चों के साथ कंफ्यूजन होता है कि भाई डी ई ड क्यों नहीं होता, TH ही द क्यों होता है. वो इस वजह से क्योंकि अल्फाबेट साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करते, अल्फाबेट केवल रिटन लैंग्वेज के लिए आपके कुछ सिंबल्स देते हैं, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका फोनेटिक अल्फाबेट होते हैं. तो कौन कौन से फोनेटिक अल्फाबेट होते हैं, आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें, दीज आर ऑल 44 साउंड्स. ठीक है, जो ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रही हैं वो वाउल साउंड्स हैं, जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी आपकी कॉन्सनेंट साउंड्स हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपको मिलेंगी, सारी की सारी साउंड्स जो है वो यहीं से मिलती हैं, इसके अलावा कोई भी साउंड आपकी नहीं होती जो इंग्लिश में आती हो. तो इनको आप एक बार स्टडी कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से समझना है. हालांकि इनके नाम अभी हमें नहीं देखने, किस तरीके से समझ में आता है, इस तरीके से समझ में आता है कि आप जैसे शीप पढ़ेंगे, जैसे आप ये फर्स्ट वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट वाला, तो इसमें जो शीप है, शीप में जो डबल ई की साउंड है वो इससे रिप्रेजेंट होती है. इसी तरीके से शिप, शिप में जो छोटी ई की साउंड होती है वो इस आई से रिप्रेजेंट होती है. गुड, अब ये देखिए यहाँ पे डबल ओ गुड जी, जो ये डबल ओ है ये यू इसकी साउंड दे रहा है गुड, लेकिन यहां पे जो डबल ओ है वो ऊ की साउंड दे रहा है शूट. गुड ये यू की साउंड दे रहा है, ये
ऊ की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे डबल ओ और यहाँ पे डबल ओ दोनों में मीनिंग में डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों की साउंड में डिफरेंस है। तो ये जो साउंड का डिफरेंस होता है ये आपको केवल फोनेटिक चार्ट से ही सेपरेट आउट हो सकता है या फोनेटिक चार्ट से ही आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। फोनेटिक चार्ट के ऊपर भी मैं आपकी एक डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाऊंगा, अगर आप फ्यूचर में कभी उसको देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोनेटिक चार्ट होता है, ये आपकी 44 साउंड्स होती हैं। ये 44 साउंड्स आपकी दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं, एक होते हैं आपके मोनोफ्थोंग्स और एक होते हैं डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स वो साउंड्स होती हैं जो प्योर साउंड्स होती हैं, या तो प्योर वाउल की या फिर प्योर कॉन्सनेंट की, लेकिन डिप्थोंग्स जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेटरी साउंड्स होती हैं। दो वाउल की साउंड को मिलाओगे तो वो डिप्थोंग हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द वाउल्स एंड कॉन्सनेंट्स, वाउल्स क्या होते हैं? अ वाउल इज अ स्पीच साउंड दैट वी मेक बाय नॉट ब्लॉकिंग एयर एज इट ट्रेवल्स थ्रू द माउथ। जब हम वाउल्स की साउंड निकालते हैं तो हम कभी भी अपने लिप्स को टच नहीं करते। लिप्स को अगर हम टच करते हैं तो हमारी एयर ब्लॉक होती है। लिप्स को टच करने से कॉन्सनेंट की साउंड निकलती है, लिप्स को टच करने से वाउल की साउंड नहीं निकलती। आप ये बात बोल के देख सकते हैं, आपके जो वाउल होते हैं वो जनरली ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें वाई एंड डब्ल्यू ये दो साउंड्स भी आती हैं। दो साउंड्स कब आती हैं? जब डब्ल्यू जो होता है वो आपकी एक डिफरेंट टाइप की साउंड देता है। कैसे? जैसे वाट, वाट, वाट में जो डब्ल्यू है वो बेसिकली आपकी डिफरेंट टाइप की साउंड दे रहा है। इसी तरीके से बे, बे में जो वाई है वो आपकी एक वाउल वाली साउंड दे रहा है। तो ये जो साउंड होती है, इन कुछ केसेस में आपका वाई एंड डब्ल्यू वाउल की केस वाउल की तरह भी कंसीडर होता है, और कुछ केसेस में आपका वो कॉन्सनेंट्स की तरह भी कंसीडर होता है। तो आप बोल के भी देख सकते हैं, वाउल साउंड में कभी भी आपके जो लिप्स हैं वो आपके एयर को ब्लॉक नहीं करते। बोल के देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, इसमें कभी भी आपके लिप्स टच नहीं होंगे, ठीक है। कमिंग टू द consonants, a consonant is a speech sound that we make by blocking air as it travels through the mouth or nose. जब आप mouth और nose से कभी भी consonant की sound निकालना चाहते हैं तो आपको अपने lips को close करके air को obstruct करना होता है। जैसे B, C, या तो आप lips को touch करेंगे या फिर आप अपनी tongue को upper teeth से touch करके air को obstruct करेंगे। D, F, G, H, J, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये आपकी कॉन्सनेंट साउंड्स कहलाते हैं। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट W एंड Y कैन एक्ट एज ईदर वाउल्स और कॉन्सनेंट्स। कैसे? डे के केस में आपका जो Y है वो वाउल की तरह काम करता है, लेकिन यल के केस में आपका जो Y है वो कॉन्सनेंट की तरह काम करता है। बिल्कुल इसी तरीके से O W E, O के केस में आपका जो W है वो वाउल की तरह काम करता है, बट वर्क W O R K, वर्क के केस में आपका W एक कॉन्सनेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये Y और W दो ऐसी साउंड्स होती हैं जो जनरली आपके वाउल साउंड्स में और कॉन्सनेंट साउंड्स दोनों में काउंट हो सकती हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल कौन से होते हैं? लॉन्ग और शॉर्ट वाउल वो होते हैं, लॉन्ग का मतलब होता है जब किसी वाउल की साउंड को आप खींच के बोलते हैं, और शॉर्ट वाउल वो होता है जब किसी वाउल की साउंड को आप थोड़ा सा छोटा करके बोलते हैं या फिर बहुत स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। इफ वी हैव वन वाउल नेक्स्ट टू वन कॉन्सनेंट इट्स यूजुअली अ शॉर्ट वाउल। अगर आपका एक वाउल कॉन्सनेंट के साथ में है या फिर कॉन्सनेंट के बाद में है तो आप वो हमेशा जनरली एक शॉर्ट वाउल होता है। अभी इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे। If we have one consonant between two vowels, दो vowels के बीच में अगर एक consonant आ जाए, we usually pronounce the first vowel as a long vowel. जो पहले वाला vowel होता है, उसको हम long vowel की तरह represent करते हैं। ये rules हैं आपके long और short vowels के। And number three, if you put a vowel before a double consonant, two hard consonant sounds, or a consonant that sounds like two consonants such as X, you will pronounce it as a short vowel. हो सकता है अभी यहाँ पे आपको समझ में ना आए, मैं आपको example के through दूंगा तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। For example, अगर आप दो words देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दो words देखिए, एक word है आपका cap और एक word है आपका apple, ठीक है। जब आप cap या
एप्पल दोनों वर्ड देखेंगे तो इन दोनों वर्ड में जो आपकी ए साउंड है वो खींच के बोली गई है, कैप ए कैप। तो ये जो ए है ये बेसिकली लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग वाउल, एप्पल एप्पल, ए को आपने खींच के बोला, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ग्रेप एंड केप में देखिएगा, ग्रेप ग्रेप ग्रेप, यहां पे जो ए है वो शॉर्ट है, केप केप केप, यहां पे जो ए है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट और लॉन्ग वाउल में क्या डिफरेंस होता है, लॉन्ग वाउल को आप थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, शॉर्ट वाउल को आप थोड़ा स्मॉल तरीके से बोलते हैं या फिर थोड़ा सा कम टाइम लेके बोलते हैं। सो यूजुअली वन वाउल इज सराउंडेड बाय कॉन्सोनेंट इन वर्ड, जनरली एक वाउल जो होता है वो कई सारे कॉन्सोनेंट से घिरा होता है। However, in many words, two vowels are put together, creating an entirely new sound. जब भी कभी दो vowels को एक साथ जोड़ के हम एक sound निकालते हैं तो वो बिल्कुल अलग type की sound निकल के आती है। जैसे अगर आप daily word देखें, मैं कुछ words के examples के आपके थ्रू समझाता हूँ, अगर आप daily word देखें तो daily में ai की जो sound है वो i होनी चाहिए थी, ai i, लेकिन daily में वो sound दे रहा है a की, ai यानी daily। इसी तरीके से ई ए की साउंड जो है आपको क्या मिल रही है, ईट। आई ई की साउंड क्या मिल रही है, पाई। ओ ए की साउंड क्या मिल रही है, बोट, ठीक है। आप देख रहे हैं ओ और ए की साउंड मिलके आपकी ओ की साउंड दे रही है। इसी तरीके से डबल ओ की साउंड क्या दे रही है, ऊ, चूज, बुक, ठीक है। इसी तरीके से डबल ई की साउंड क्या दे रही है, फील। तो ये जो आपके जब दो दो वाउल्स या दो कॉन्सनेंट आपके मिल जाते हैं तो वो आपके अलग तरह की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो आपके कुछ रूल्स होते हैं तो हम उन रूल्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जस्ट लाइक वाउल कॉम्बिनेशंस, कॉन्सनेंट कॉम्बिनेशंस कैन क्रिएट एंटायरली न्यू साउंड। जैसे आपके वाउल कॉम्बिनेशन बिल्कुल एंटायरली न्यू साउंड क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपके कॉन्सनेंट भी entirely new sound आपकी create कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा consonants consonant को अगर आप मिलाएं। For example, C और H को अगर आप मिलाएं तो वो च की आवाज देते हैं, जैसे कि chess। S और H को मिलाएं तो वो श की आवाज देते हैं। T और H को मिलाएं तो वो द की आवाज दे सकते हैं और थ की आवाज दे सकते हैं, जैसे बात एंड दिस। GH घ की आवाज दे सकते हैं और F की आवाज दे सकते हैं, कफ। WH वेल और होल, यानी व और ह दोनों की आवाज दे सकते हैं। एफ आर फ्र फ्र, सी के क क पिक, बी एल ब्लू ब्लू ब्लू, ब ल ब्लू, एस पी स्पिन। तो ये अलग अलग तरह की साउंड्स आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। एक्सेप्शंस, इंग्लिश में हर लैंग्वेज में अपने एक्सेप्शंस होते हैं, इंग्लिश में भी अपने कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है अभी उनको यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शंस जनरली आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, तो अभी हम इनको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। नाउ व्हाट आर डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिप्थोंग्स आर जनरली जब आप दो या दो से ज्यादा वाउल साउंड्स को मिला देते हैं तो वो आपके डिप्थोंग्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ए आई में डेली में ए आई, ईट में ई ए, आई में आई ई, बोट में ओ ए, से में ए वाई, चूज में डबल ओ एंड फील में डबल ई। ये जो साउंड्स हैं ये सारी की सारी साउंड्स आपकी डिप्थोंग की साउंड्स कहलाती हैं। सिलेबल, नाउ व्हाट इज सिलेबल, एक सिलेबल जो होता है बच्चों वो एक सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ अ स्पोकन और रिटन वर्ड होता है। अगर आपको मैं सिंपल से तरीके से बताऊं तो हमेशा याद रखिए जितने वाउल आपके वर्ड में होंगे उतने ही सिलेबल जनरली आपके वर्ड में होते हैं। ये तब तक रूल वैलिड होता है जब तक कि दो वाउल साउंड एक साथ ना आ जाएं, ठीक है। कैसे, देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं देखूं फास्ट, तो फास्ट में आपका केवल एक वाउल है ए, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सिंगल सिलेबल वर्ड। इसी तरीके से अगर आप ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर में आपके दो वाउल हैं, एक ओ और एक ई, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे टू सिलेबल वर्ड।
इसी तरीके से अगर आप टुमारो देखें तो टुमारो में तीन ओ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका थ्री सिलेबल वर्ड कहलाएगा। अगर आप एलिगेटर को देखें तो एलिगेटर में आपको चार सिलेबल दिखाई दे रहे हैं, ए आई ए एंड ओ, तो इसीलिए हम इसको फोर सिलेबल वर्ड बोलेंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है, लेडीबग में आपको तीन सिलेबल दिखाई दे रहे हैं, तीन वाउल साउंड, एल ए ए वाई एंड यू। सो ये जो लेडीबग है ये बेसिकली आपका थ्री सिलेबल वर्ड कहलाएगा। तो सिलेबल का मतलब जितनी वाउल साउंड आपके वर्ड में है वो आपके उतने ही ज्यादा सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। अब ये स्ट्रेस और इंटोनेशन क्या होता है, हम इंग्लिश में जब कभी भी वर्ड्स बोलते हैं तो हम हमेशा वर्ड के स्पेसिफिक पार्ट पे या फिर सेंटेंस के स्पेसिफिक पार्ट पे स्ट्रेस डालते हैं। स्ट्रेस डालने का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस डालने का मतलब ये होता है कि उस वर्ड को या फिर उस फ्रेज को या फिर उस सेंटेंस को हम थोड़ा सा हाई पिच में बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेस डालने से क्या होता है कि आपके जो सेंटेंस है उसके अंदर क्लैरिटी आती है कि आप किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जनरली स्पोकन लैंग्वेज में आपके जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब या फिर प्रपोजिशन, प्रोनाउन, आर्टिकल, इन सब के ऊपर कभी स्ट्रेस नहीं डाला जाता, ठीक है। लेक्सिकल वर्ड्स जो होते हैं, डिक्शनरी वाले वर्ड्स जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब जो होते हैं इनके ऊपर आप स्ट्रेस डालते हैं। तो स्ट्रेस का एक प्रोफाइल होता है, वो प्रोफाइल क्या होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो स्ट्रेस डालने का स्पेसिफिक कोई रूल तो नहीं होता, इसको हम धीरे धीरे सीख जाते हैं, लेकिन कैसे सीखते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा सकता हूँ। जैसे अगर मैं वर्ड बात कर रहा हूँ गार्डन की, ठीक है, तो इस गार्डन वर्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट, ये पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए गार्डन वर्ड कितने सिलेबल वर्ड है, ये आपका टू सिलेबल वर्ड है क्योंकि यहाँ पे दो आपके वाउल्स आ रहे हैं। तो टू सिलेबल वर्ड में जो पहला सिलेबल होता है हम हमेशा उसको स्ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सिलेबल क्या है, गार, तो इसीलिए जब भी आप गार्डन बोलेंगे तो आप बोलेंगे गार्डन गार्डन गार्डन। नाउ गार को आपने खींच के बोला, डन को आपने तेजी से बोला, सो ये जो खींच के आपने जो बोला जिसको हायर पिच के साथ बोला गार्डन, सो ये जो गार्डन में गार आपने बोला ये हायर पिच के साथ बोला, इसमें आपने स्ट्रेस दिया। इसी तरीके से मीडो, मशरूम मशरूम, इसी तरीके से थर्मोमीटर थर्मोमीटर थर्मोमीटर, इसी तरीके से ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी। तो आप यहां पे देखेंगे कि जो भी फनीम मैंने आपके यहां पे हाईलाइट कर रखे हैं उनके ऊपर मैं स्ट्रेस डाल के बोल रहा हूं। तो यही स्ट्रेस बेसिकली आपकी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ सिलेबल स्ट्रेस, अब हम बात करेंगे सिलेबल, कौन से सिलेबल पे कहां पे स्ट्रेस डाली जाती है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात यहां पे कर लेते हैं। अलग अलग तरह के जो सिलेबल्स होते हैं या अलग अलग तरह के जो वर्ड्स होते हैं, अलग अलग सिलेबल के जो वर्ड होते हैं उनमें अलग अलग जगह पे हम स्ट्रेस डालते हैं। हालांकि इसके कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एलैबोरेटिव रूल्स नहीं है, हम यहाँ पे केवल कुछ ही रूल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सही सिलेबल पे स्ट्रेस ना डालें या फिर आप किसी भी सिलेबल पे स्ट्रेस ना डालें तो आपकी जो साउंड है ना वो बहुत ही रोबोटिक साउंड की तरह लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो एक स्ट्रेस्ड सिलेबल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, नंबर वन इट्स लॉन्गर। कोई भी जो सिलेबल पे जब आप स्ट्रेस डालोगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग बोला जाएगा। इट्स लाउडर, उसको थोड़ा सा लाउड करके बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर, ये जो प्यू जो मैं बोल रहा हूं ना कंप्यूटर, तो ये जो प्यू बोल रहा हूं ये लॉन्गर भी है लाउडर भी है। नंबर थ्री, इट हैज अ चेंज इन पिच फ्रॉम द सिलेबल्स कमिंग बिफोर एंड आफ्टरवर्ड। पिच का मतलब क्या होता है, आपकी जो साउंड है वो साउंड थोड़ी सी हायर जा रही है, ठीक है। तो वो जो साउंड की जो पिच आप हायर कर रहे हैं वो केवल आप स्ट्रेस सिलेबल के केस में करेंगे। इट इज सेड मोर क्लियरली, यहां पे क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इट यूजेस लार्जर फेशियल मूवमेंट, जब आप इनको यूज करेंगे या फिर जब आप किसी भी सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस देंगे तो आप अपने फेस के जो मूवमेंट है वो थोड़े से ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है।
It is equally important to remember that the unstressed syllables of a word have a opposite features of a stressed syllables. यानी अगर आप unstressed syllable की बात करें तो वो बिल्कुल opposite property रखते हैं. ये जो पांच property आपने बताई हैं, ये आपने basically किसके बारे में बात की है, जो stressed syllable होते हैं. ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एक छोटे से example के थ्रू देख लेते हैं. यहाँ पे हमें कुछ चार words दिए हुए हैं, तो ये जो ऊपर जो ओ लिखे हुए हैं ये बेसिकली आपके स्ट्रेस का प्रोफाइल है. तो जब हम बोलेंगे इक्वल, तो इक्वल में इक्वल ई क्यूब के ऊपर हमने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया, तो वहां पे बड़ा ओ लिखा हुआ है, इक्वल. इसी तरीके से जब हमें इक्वालिटी बोलना है तो इक्वालिटी, इक्वालिटी, तो ये जो क्वे वर्ड पे आपने स्ट्रेस दिया वहां पे आपने बड़ा ओ लिख दिया. इसी तरीके से इक्वलाइज, इक्वलाइज. इसी तरीके से इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशन. जो जेशन पे आपने स्ट्रेस दिया वहां पे आपने बड़ा वो लिख दिया. तो ये आपका कहलाता है सिलेबल स्ट्रेस. सिलेबल स्ट्रेस के लिए आप कुछ रूल्स यूज करते हैं. पहला रूल, वाइल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वी कैन जनरली यूज द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स. कौन कौन से रूल होते हैं? जब भी कभी आपका सिंगल सिलेबल वर्ड होगा, हमेशा उसके फर्स्ट सिलेबल पे, या फिर हमेशा उसके जो एक सिलेबल, ऑब्वियसली बात है जब उसमें सिंगल सिलेबल है तो उसी सिलेबल को आपको उसको स्ट्रेस करना है. फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग में ओ सिंगल सिलेबल है तो इसको स्ट्रेस कीजिए डॉग. कैट, डे, रेन. ठीक है, तो आप उसी को स्ट्रेस करेंगे. नंबर टू, टू सिलेबल्स. जब भी कभी आपके वर्ड में दो सिलेबल हो तो हमेशा याद रखिएगा टू सिलेबल नाउन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स स्ट्रेस द फर्स्ट सिलेबल. नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब के केस में आप फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस कीजिएगा, लेकिन अगर वो वर्ब है तो उसके सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस कीजिएगा. ठीक है, इसको आप कब अच्छे से समझ पाएंगे, चलिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं. जैसे कि आप देख रहे हैं हैप्पी, हैप्पी के केस में हैप्पी क्या है? हैप्पी बेसिकली एक एडजेक्टिव है, राइट? सो जब ये हैप्पी के बारे में आप बात करेंगे तो आप इसके फर्स्ट सिलेबल यानी हैप्पी, हैप्पी, तो हैप के ऊपर आपने स्ट्रेस दिया हैप्पी, हैप्पी, राइट? इसी तरीके से लिटिल में लिटिल, लिटिल, फर्स्ट सिलेबल पे आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है, रनिंग में रनिंग, रनिंग. इसी तरीके से जब आप वर्ब की बात कर रहे होते हैं तो वर्ब के केस में आप सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस देंगे, जैसे कि रिकॉर्ड, रिकॉर्ड. कंबाइन, इंसिस्ट, इंसिस्ट. ठीक है, इस तरीके से आपने सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस दिया. अब देखिए यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखने के लिए मिलेगी. ये जो रिकॉर्ड वर्ड है ये वर्ब भी हो सकता है और ये आपका नाउन भी हो सकता है. जब आप किसी कोई आप किसी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो आपको फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देना पड़ेगा, जैसे कि रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड. लेकिन अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो आप इसके सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस देंगे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड. तो देखिए वर्ड के प्रोनंसिएशन से ही आप उसके प्रोफाइल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं. ठीक है, इसीलिए सिलेबल स्ट्रेस जो होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, नंबर थ्री, अगर आपका थ्री सिलेबल वर्ड है तो स्ट्रेस कैन बी ऑन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सिलेबल डिपेंडिंग अपॉन हाउ द वर्ड एंड्स. किस तरीके से आपका वर्ड एंड हो रहा है उसके बेसिस पे आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस डाल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर आपका जो वर्ड है वो ई आर पे एंड हो रहा है तो आप हमेशा फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस देंगे, जैसे बॉल प्लेयर, बॉल प्लेयर. इसी तरीके से ओ आर में नैरेटर, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली. लाइब्रेरी. ठीक है, अगर आपका जो वर्ड है वो टी आई ओ एन, एस आई ओ एन, IC या AL पे आपका एंड हो रहा है तो आप सेकेंड सिलेबल पे अपने स्ट्रेस देंगे, जैसे कि रिसेप्शन, एक्सपेंशन, स्ट्रेटजिक, पोटेंशियल. अगर आपका जो वर्ड है वो डबल ई पे, डबल ई आर पे,
ESE या डबल या EEE पर एंड हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप जो है थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस देंगे, जैसे रेफरी, पायनियर, फोर सिलेबल्स. स्ट्रेस कैन बी ऑन द सेकेंड और थर्ड सिलेबल डिपेंडिंग अपॉन हाउ द वर्ड एंड्स. इसी तरीके से यहां पे भी जिस तरीके से आपका वर्ड एंड होगा, जिस भी सिचुएशन में आपका वर्ड एंड होगा, आप सेकेंड या थर्ड सिलेबल पे अपना स्ट्रेस दे सकते हैं. जैसे सेकेंड सिलेबल पे कब होगा, जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी, फ्रैटर्निटी, फिलोसफी, जियोलॉजी. इसी तरीके से थर्ड सिलेबल पे स्ट्रेस कब होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, एप्रीहेंशन, सुपरसोनिक. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें स्ट्रेस दे सकते हैं. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रेस इन इंग्लिश. इंग्लिश में स्ट्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है? अब देखिए, अगर आपने संजू मूवी देखी है, जरूर आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा, द स्नेक इज इन द होल. देखिए, सिंपल सी बात है, आप इन दोनों वर्ड्स को जरा पढ़ के देखिएगा. इन दोनों वर्ड्स के प्रोनंसिएशन में एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है. पहला वर्ड का जो प्रोनंसिएशन है वो है स्नेक, दूसरे वर्ड का प्रोनंसिएशन है स्नैक. ठीक है, अब एक्चुअल में आप किस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, किस तरीके से आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से वो उसका मीनिंग चेंज कर देता है. इसी तरीके से अगर आप दूसरे वर्ड्स के मीनिंग देखें, दूसरे वर्ड को प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, तो पहला जो वर्ड है उसका प्रोनंसिएशन है हॉल और दूसरे का प्रोनंसिएशन है होल. तो आपको अगर बोलना है द स्नेक इज इन द हॉल, लेकिन आप उसकी जगह अगर बोल रहे हैं द स्नेक इज इन द होल, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल अलग तरीके का मीनिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है. आपका सेंटेंस, आपका जो प्रोनंसिएशन है वो आपके मीनिंग को क्लैरिफाई करता है, आपकी स्ट्रेस को क्लैरिफाई करता है. तो आप अगर स्ट्रेस सही तरीके से नहीं डालेंगे तो आपका वर्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाएगा. जैसे कुछ लोग बॉटल को बोटल एंड होटल को होटल बोलते हैं, तो अगर आप बॉटल को बोटल एंड होटल को होटल बोलेंगे तो आप स्ट्रेस गलत जगह पे डाल रहे हैं. ठीक है, होटल में टेल के ऊपर आपने स्ट्रेस डाला, होटल नहीं. बॉटल में फर्स्ट सिलेबल के ऊपर आपने स्ट्रेस डाला, लास्ट सिलेबल पे नहीं. तो ये स्ट्रेस डालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इसी तरीके से डिजर्ट एंड डेजर्ट, इन दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस प्रोफाइल है, ये स्ट्रेस प्रोफाइल बहुत मायने रखता है. आपके स्ट्रेस डालने के तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है कि आप इंग्लिश को कितना अच्छी तरीके से जानते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश. नाउ कमिंग टू द इंटोनेशन. इंटोनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? द एंटायर वेरिएशन ऑफ पिच व्हाइल स्पीकिंग इज कॉल्ड इंटोनेशन. जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या कोई भी सेंटेंस बोल रहे होते हैं, तो उस सेंटेंस में आप जो वेरिएशन क्रिएट करते हैं वो बेसिकली आपका इंटोनेशन कहलाता है. ठीक है, तो आपका जो इंटोनेशन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके कम्युनिकेशन का प्रॉपर मीनिंग क्या है, और आपका इंटोनेशन आपको मोनोटोनस होने से बचाता है. ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका एक सेंटेंस कई बार लिखा हुआ है. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहां पे आपका एक सेंटेंस कई बार लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल के मैं आपको इसके डिफरेंस को क्लैरिफाई कर सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको विदाउट एनी स्ट्रेस डाला या विदाउट एनी स्ट्रेस मैंने बोला, तो मैं सिंपल बोलूंगा आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट द डिजास्टर. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किसी भी चीज के ऊपर स्ट्रेस नहीं डाला, ये नॉर्मल है. अभी इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है. अब मैं सेकंड टर्म पे जाता हूं, जहां पे आई को मैंने सेकंड सेंटेंस पे जहां पे मैंने आई को बोल्ड कर रखा है. नाउ लिसन टू मी अगेन केयरफुली, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट द डिजास्टर. यानी यहाँ पे आई पे स्ट्रेस डालने का मतलब यह है कि मैंने तो डिजास्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, हो सकता है किसी और ने पढ़ा हो. अगेन थर्ड सेंटेंस में देखिएगा, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट द डिजास्टर. मैंने
डिजास्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। यहां पे कुछ नहीं पे स्ट्रेस है, यानी डिजास्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, किसी और के बारे में मैंने कुछ भी पढ़ा हो। इसी तरीके से आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट द डिजास्टर, मैंने सुना हो सकता है, देखा हो सकता है, लेकिन डिजास्टर के बारे में पढ़ा कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगेन द सेंटेंस इन द विद द डिफरेंट स्ट्रेस, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट द डिजास्टर, मैंने डिजास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब की बार जो स्ट्रेस है वो कुछ भी नहीं पे है। आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट द डिजास्टर, मैंने किसी चीज के भी बारे में पढ़ा हो लेकिन डिजास्टर के बारे में नहीं पढ़ा है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो हर सेंटेंस में, सेंटेंस के वर्डिंग सेम है लेकिन हर सेंटेंस में स्ट्रेस डालने के तरीके से उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, सो व्हेन आई से आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट द डिजास्टर, 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 आई डिड नॉट रीड एनीथिंग अबाउट द डिजास्टर। सुनो, स्ट्रेस डालने की प्रोफाइल से आपके सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्रिएट, मतलब पूरा मीनिंग डिफरेंट हो गया है। यही बेसिकली आपका इंटोनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल, आपको अगर आप एक नेचुरल स्पीकर बनना चाहते हैं या फिर अगर आप एक स्पॉन्टेनियस स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपका इंटोनेशन पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द टंग ट्विस्टर्स, टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं बच्चों? टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं बेसिकली आपके ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आपके डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब किसी चीज को अच्छे तरीके से बोलना, ये जानबूझ के इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जिससे कि आप इनको प्रॉपर तरीके से आर्टिकुलेट ना कर पाए। ठीक है, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इनके बहुत सारे पर्पज होते हैं। कुछ पर्पज होता है कि भाई आप अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंसी को बनाना चाहते हैं, कुछ पर्पज होता है कि कभी कभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में अगर आप प्रोनंसिएशन करना चाहते हैं या कुछ भी चीज आप बोलना चाहते हैं तो आपको अपनी मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, है ना, तो उस ट्रेनिंग के लिए भी आपके टंग ट्विस्टर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये टंग ट्विस्टर्स जनरली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा सजेशन आपके लिए ये है कि आप इन कुछ टंग ट्विस्टर्स की एक पीडीएफ फाइल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैंने एमसीक्यू इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर भी की हुई है। ठीक है, तो उन टंग ट्विस्टर्स को आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आप उनको एक बार रिवाइज करिएगा। यहाँ पे बस आपका जनरली अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा कि टंग ट्विस्टर्स का मेजर यूज क्या होता है। अब जैसे एक जो टंग ट्विस्टर बड़ा फेमस है जो आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड, a woodchuck would chuck all the wood he could chuck if a woodchuck would chuck wood। so इसको अगर आप बार 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 बोलेंगे तो आपको क्या होगा ना, आपको बोलने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन ये आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है, आपके प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करता है, आपकी लैंग्वेज में क्लैरिटी लेके आता है। तो टंग ट्विस्टर्स नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो दे कैन हेल्प देम आउट। तो अलग अलग तरह से टंग ट्विस्टर्स बनाए जाते हैं। कुछ टंग ट्विस्टर्स जो होते हैं वो रैपिड ऑल्टरेशंस के थ्रू बनाए जाते हैं, जैसे स और श, इन दोनों को जब आप रिपीटेड वे में यूज करेंगे तो वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, द शेल सी सेल्स। अब यहाँ पे मुझे भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट अ नेटिव स्पीकर, राइट। सो शी सेल्स, श और स, इन दोनों में आपका ऑल्टरेशन पैटर्न जो है वो बार बार आप यूज कर रहे हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी श्योर, द शेल्स शी सेल्स आर सी शेल्स आई एम श्योर, फॉर इफ शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी श्योर देन आई एम श्योर शी सेल्स सी श्योर शेल्स, राइट। सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी के साथ इनको बोलना पड़ता है, लेकिन जब आप बार 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 प्रैक्टिस करते हैं तो आप इनको आसानी से बोल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, पीटर पाइपर पिक्ड पैक ऑफ पिकल पेपर्स, अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड, इफ पीटर पाइपर पिक्ड पैक ऑफ पिकल पेपर्स वेयर इज द पैक ऑफ पिकल पेपर्स पीटर पाइपर पिक्ड। सो नाउ दिस इज अनदर टंग ट्विस्टर। सो आपको इनको बार बार स्पीक लाइक बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप इनको अच्छे तरीके से असिमिलेट कर पाए, राइट। मैनी टंग ट्विस्टर्स यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिटरेशन एंड राइम। कुछ जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो राइम स्कीम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना के यूज करते हैं जिससे कि उनको बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ठीक है, जैसे बैटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बिटर बटर,
The butter Betty Botter bought was a bit bitter and made her batter bitter, but a bit of batter butter makes batter better. So Betty Botter bought a bit of batter butter, making Betty Botter's bitter batter better. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपने क्या किया है, साउंड्स को डिफरेंट तरीके से यूज किया है. देर आर ऑल्सो टंग ट्विस्टर दैट मेक यूज ऑफ कंपाउंड वर्ड्स एंड देयर स्टेम्स. कुछ जो ऐसे होते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स को यूज करते हैं उनके स्टेम्स को यूज करके डिफरेंट टाइप के टंग ट्विस्टर्स बनाते हैं. हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी या बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, बस टंग ट्विस्टर क्या होते हैं और क्यों इनका यूज होता है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ टंग ट्विस्टर्स वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था. लाइक सम टंग ट्विस्टर्स आर यूज फॉर द स्पीच प्रैक्टिस एंड वोकल वार्म अप. कुछ टंग ट्विस्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके वोकल वार्म अप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप कहीं पे स्पीच देने वाले हैं या फिर आप कहीं पे सिंगिंग करने वाले हैं तो आपके टंग ट्विस्टर्स आपकी हेल्प करते हैं. जैसे ये जो टंग ट्विस्टर है, द लिप्स द टीथ द टिप ऑफ द टंग, द टिप ऑफ द टंग द टीथ द लिप्स, ये आपके वोकल वार्म अप के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप इसको बोल के तब प्रोनंसिएशन करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो प्रोनंसिएशन होता है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है. सो नाउ दैट वाज द स्पीकिंग पार्ट. नाउ वी आर कमिंग टू द रीडिंग पार्ट. ऑल्दो दिस लेक्चर इज एक्चुअली गेटिंग अ बिट लॉन्गर बट वी कैन नॉट हेल्प इट. अगर हम इसके पूरा कंटेंट कवर करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा इसको लंबा बनाना पड़ेगा. सो आई वॉन्ट टू मेक इट वन शॉर्ट वीडियो, सो दैट्स वाई इट्स बिकमिंग लॉन्गर. So now coming to the reading part. What is reading? Reading is a multifaceted process involving word recognition, comprehension, fluency and motivation. आपका जो reading process होता है वो word को recognize करने का process होता है, उसको समझने का process होता है और अपने लिए fluency और motivation create करने का एक process होता है. ठीक है, reading जो होती है वो हमेशा एक purpose के साथ की जाती है. अगर आप रीडिंग विदाउट एनी पर्पज करने की कोशिश कर रहे हैं देन रीडिंग का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता, रीडिंग आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे. इट इज अ ग्रेट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग द ब्रेन एंड इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सब लोग बताते हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए. रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क थ्रू विच यू एक्चुअली गेन द वोकैबुलरी एंड थ्रू विच यू एक्चुअली गेन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिससे कि आप अपने रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. So now, what can be the reading styles? There are 7 specific reading styles: skimming, scanning, churning, assimilation, intensive reading, extensive reading, and critical reading. So let's go through them one by one. So number one is the skimming. Skimming is a reading technique where you can glance over the material to find what you are looking for. Now, skimming एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे आपको टेक्स्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है और आप उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी चाहते हैं जो कि आप पहले से जानते हैं कि आपको क्या चाहिए. ठीक है, तो skimming basically एक टेक्स्ट का जनरल आइडिया लेने के लिए होता है. यहाँ पे आप केवल कोर और लाइक स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं. ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उस न्यूज आर्टिकल में मान लीजिए आप अभी जो रिसेंटली जो न्यूज चल रही है वो अफगानिस्तान एंड तालिबान की जो न्यूज चल रही है, आप उसके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके न्यूज आर्टिकल में आप उसको पढ़ रहे हैं तो आप केवल उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करेंगे. आप पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आप उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसकी हेडलाइन पढ़ेंगे, आप उसका एक जिस्ट पढ़ेंगे एंड देन यू विल सिंपली कम टू नो कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है. सो दिस इज कॉल्ड योर स्किमिंग. ठीक है, ये स्किमिंग जो होती है वो की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है. आप कब यूज कर सकते हैं स्किमिंग? रीडिंग सर्विस और प्रोडक्ट रिव्यू. अगर आप कोई फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसके रिव्यू को पढ़ने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं. गोइंग ओवर स्पीच लास्ट मिनट, आप स्पीच देना चाहते हैं तो उसको फटाफट से आप स्किम कर सकते हैं, फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप रिवाइज कर सकते हैं. क्विक रिसर्च, क्विक रिव्यू बिफोर एन एग्जाम. जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, आप बुक को फटाफट फटाफट पलटते रहते हैं और आप उसका रिव्यू करते रहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड योर स्किमिंग. Skimming can save you a lot of time, making you aware of the key points without fully comprehending the entire text. यानी यहाँ पे आप पूरे टेक्स्ट को comprehend करने की कोशिश नहीं करते हैं, केवल key information निकालने की कोशिश करते हैं. Coming to the next type of reading, scanning. Scanning is reading method used when simply running your eyes over the text, usually to find what you are looking for or anything that pops out at you. यानी स्कैनिंग एक ऐसा मेथड है जहां से आप अपनी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पूरे टेक्स्ट को फटाफट से स्कैन करते हैं. नाउ स्कैनिंग कब की जाती है? जैसे अगर आप
कोई ईमेल देखते हैं तो उस ईमेल में आप ईमेल का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो वो आप स्कैनिंग कर रहे हैं। न्यूज़ आर्टिकल अगर आप एक पढ़ रहे हैं तो उस न्यूज़ आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, या फिर आप एक जॉब आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब आप स्कैनिंग के थ्रू निकालते हैं। इसी तरीके से आप एक रेस्टोरेंट में अगर एक फूड मेन्यू देख रहे हैं तो आपको आपके दिमाग में पहले से कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि ठीक है आज हमें ये खाना है या ये खाना है, तो यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू द फूड मेन्यू जस्ट टू फाइंड आउट दैट आर्टिकल। सो वो कहलाता है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को आप डिस्कार्ड कर देते हैं। देन कम्स योर चर्निंग। नाउ व्हाट इज चर्निंग? चर्निंग बेसिकली मीन्स टू इंटरप्रेट एंड इन्फेरेंस। इंटरप्रेट यानी जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं आप उसको इंटरप्रेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, एंड देन यू आर एक्चुअली ड्रॉइंग एन इन्फेरेंस आउट ऑफ इट। इन्फेरेंस का मतलब होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जो लिखा है केवल वो नहीं पढ़ना है, जो लिखा है उसके पीछे के इंटेंशन को भी आप अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका कहलाता है चर्निंग। राइट? सो चर्निंग इज अ लिटिल बिट इन डेप्थ प्रोसेस। Coming to the assimilation, the process of fully understanding the ideas, spirit and intention behind the text. जब आप किसी भी information को पूरी तरीके से समझ भी रहे हैं, उसके पीछे के spirit को समझ रहे हैं और उसके जो सामने जो जिस व्यक्ति ने लिखा है उस व्यक्ति के लिखने की जो intention है उसको भी सही तरीके से समझ के आप उस पूरे टेक्स्ट को एसिमिलेट कर रहे हैं या फिर उस टेक्स्ट को अपने ऊपर एप्लीकेट कर रहे हैं तो वो आपका कहलाता है एसिमिलेशन। एक्चुअल में एसिमिलेशन का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है टू बिकम सिमिलर टू समथिंग। सो एसिमिलेशन प्रोसेस बेसिकली वो चीज है कि आपने इन्फॉर्मेशन को इतना इतना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है कि लाइक जो आपका राइटर कहना चाहता है और जो आप समझे हैं उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो राइटर आपको बताना चाहता है आप वही समझे हैं और एग्जैक्टली वही समझे हैं। दैट इज कॉल्ड योर एसिमिलेशन। ये तभी होता है जब आप इंफॉर्मेशन को बहुत डिटेल में बहुत इनडेप्थ तरीके से पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स एन इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू रीड केयरफुली बाय पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। जब आप अपने एकेडमिक्स के लिए या फिर अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, कोई भी अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो उस सिचुएशन में आप एक इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं। इंटेंसिव रीडिंग में आप एक भी वर्ड को स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपको उसकी हर इंफॉर्मेशन को समझना होता है, हर वर्ड की मीनिंग को आप क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है इन डेप्थ रीडिंग, जहां पे हर वर्ड का मीनिंग समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटेंसिव की जगह एक्सटेंसिव रीडिंग की, तो एक्सटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होती है जो आप रिलैक्सेशन या प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेतन भगत का कोई नॉवल पढ़ रहे हैं और वहां पे अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द मीनिंग थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। राइट? तो उस वर्ड का मीनिंग पता ना होने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है? तो क्योंकि वहां पे आप केवल अपने प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं तो वो कहलाता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में यही डिफरेंस है। इंटेंसिव रीडिंग बहुत डेप्थ के साथ पढ़ा जाता है, हर वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, हर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है? लेकिन एक्सटेंसिव में ऐसा नहीं होता है। एक्सटेंसिव का मेन पर्पस होता है एंजॉय, एंजॉयमेंट। अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप पोएट्री पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, सो यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू द एक्सटेंसिव रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए शायद आप लोगों को पता हो, आपका जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, जब आप उन रिसर्च पेपर्स को रिव्यू करने के लिए भेजते हैं तो वो आपकी क्रिटिकल रीडिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी ने कहा कि सर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, प्लीज आप इसको एक बार रिव्यू कर लीजिए कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो जब मैं उसको रिव्यू करूंगा तो आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू द क्रिटिकल रीडिंग। यहाँ पे मेरा जो एटीट्यूड है वो क्रिटिक्स का है। मैं यहाँ पे आपको उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करूंगा या फिर मैं उसमें कोई भी गलती होगी तो उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज called your critical reading। यहां पे मेरी critical faculties या फिर critical aptitude का होना बहुत important है, ठीक है? तो जब भी कभी आप WhatsApp के through कोई message पाएं या फिर आप Facebook पे कोई भी information या कोई भी news आपको मिले, तो you should always be a critical reader। हमेशा उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको critical reader बनना चाहिए जिससे कि आप उस चीज को समझ सकें, evaluate कर सकें, and then you can reach a conclusion। इफेक्टिव रीडिंग मेथड्स। अगर आप रीडिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी रीडिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। नंबर वन, डेवलप कर सकते हैं
नंबर वन SQ3R मेथड, जिसको हम बोलते हैं सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट एंड रिव्यू मेथड, एंड नंबर टू स्ट्रक्चर प्रपोजिशनल इवेल्यूएशन मेथड, एंड नंबर टू इज स्ट्रक्चर प्रपोजिशन इवेल्यूएशन मेथड। ये मेथड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नाउ कमिंग टू द SQ3R मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप रीडिंग इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सर्वे, यानी सबसे पहले जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसका एक सर्वे कीजिए। अगर आप एक बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बुक को पलटिए, उसके पेजेस को देखते चले जाइए, उसकी कंटेंट को पढ़िए, उसके मतलब टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़िए, उसके पीछे जो ग्लॉसरी दे रखी है उसको पढ़िए, बिब्लियोग्राफी को पढ़िए, जो भी आप उसके थ्रू जाइए, बस उसके पेजेस को पलटिए, उसको केवल सर्वे कीजिए, देखिए कि उस टेक्स्ट में है क्या। नंबर टू क्वेश्चन। नाउ उस टेक्स्ट का जब आप सर्वे करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को नोट कीजिए कि भाई मैं इस टेक्स्ट से सीखना क्या चाहता हूँ, या मैं इस बुक से बेसिकली किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहता हूँ। ये क्वेश्चंस जो हैं आपका एक ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड तैयार करेंगे कि आप एक्चुअल में इस बुक से क्या चाहते हैं या इस टेक्स्ट से आप क्या चाहते हैं। नंबर थ्री इज रीड। नाउ इट्स द टाइम टू रीड द मटेरियल, रीड द मटेरियल प्रॉपरली। आपके दिमाग में जो पहले क्वेश्चंस थे, जब आप पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चंस बेसिकली आपके गाइडलाइन का काम करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए। नंबर फोर रिसाइट। पढ़ने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं लेनी, मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब आप आंखें बंद करके 5 मिनट बैठिए और वो सोचिए कि आपने उस चीज को जो पढ़ा है वो बेसिकली क्या है, क्या आप उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा बना सकते हैं, क्या आप अपने क्वेश्चंस जो आपने इनिशियल लेवल पे बनाए थे उनके आंसर कर सकते हैं। एंड नंबर फाइव इज द रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो भी आपने रिवाइज किया, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा, अब आप उसका एक मेंटल नोट बनाइए, ठीक है, और वो मेंटल नोट आपको विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स आपको बनाना है। जब आप इसको बार बार ये पांचों चीजें, कौन कौन सी, सर्वे क्वेश्चन रीड रिसाइट एंड रिव्यू, जब आप इन सब चीजों को, इन पांचों चीजों को सीक्वेंस में बार बार अप्लाई करेंगे, देन जो भी आपने पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में पूरी तरीके से कमिट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड योर इफेक्टिव रीडिंग। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर प्रपोजिशन इवेल्यूएशन मेथड। ये मेथड हो सकता है कि आप अभी इसको बहुत अच्छे से ना समझ पाए, ये जनरली नॉन फिक्शन टाइप के टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एकेडमिक टाइप का टेक्स्ट हो गया, या फिर आपका कोई ऐसा टेक्स्ट जिससे आप कोई नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट को रिव्यू कीजिए, ठीक है, उसके बाद जो आपके आर्टिकल के पैराग्राफ हैं या फिर जो आपके टेक्स्ट का लेआउट है उसको रिव्यू करके देखिए। नंबर टू, स्टडी द स्टेटमेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड पुट देम इन लॉजिकल ऑर्डर और रिलेशन टू ईच अदर। जो भी आप आर्टिकल या जो भी आप बुक का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में रखिए। एंड देन नंबर थ्री, इवेल्यूएट द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन ऑफ द टेक्स्ट। और जो आपके फाइनली आपके टेक्स्ट के आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन दे रखे हैं, क्या वो आपके लॉजिकली अरेंज्ड कंक्लूजन से मैच करते हैं? अगर वो मैच करते हैं तो आपकी जो लाइक रीडिंग स्ट्रेटजी है वो परफेक्ट है, अदरवाइज आपको उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की या फिर उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है स्ट्रक्चर प्रपोजिशन इवेल्यूएशन मेथड। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड योर राइटिंग। राइटिंग इज बेसिकली द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग आर व्यूज आइडियाज एंड थॉट्स। जब आप अपने व्यूज आइडियाज और थॉट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो आपका कहलाता है बच्चों राइटिंग। राइटिंग भी एक पर्पज के साथ की जाती है, जब तक आपको कोई पर्पज नहीं है तो आप उसको सही तरीके से नहीं लिख सकते। इफेक्टिव राइटिंग कैन बी अ डॉन्टिंग टास्क एज इट डिमांड्स मच मोर देन मेयरली अ करेक्ट ग्रामर। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मेरी ग्रामर अच्छी है तो मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ करती थी कभी, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। आपकी ग्रामर अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही तरीके से लिख सकते हैं। लिखना एक आर्ट है और उसको, उस आर्ट को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी है, आपकी वोकैबुलरी कैसी है, किस तरीके से आपका फ्लेवर क्या है लिखने का, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि लिखने के लिए आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कॉलम राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, बहुत सारी तरह की राइटिंग होती है, बट हमारा मेन कंसर्न यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग है। तो अगर मैं पैराग्राफ राइटिंग की बात करूँ बच्चों, तो पैराग्राफ क्या होता है, इट इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिलेटेड स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेज एंड डील्स विद वन कंट्रोलिंग आइडिया। एक पैराग्राफ में हमेशा एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है। कंट्रोलिंग आइडिया को हम थीमेटिक आइडिया फिर थीम आइडिया भी बोलते हैं। वो जो थीम आइडिया या फिर टॉपिक आइडिया या कंट्रोलिंग आइडिया जो होता है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स जो होते हैं उस पैराग्राफ में, वो उस आइडिया को केवल सपोर्ट करते हैं,
ठीक है। तो एक पैराग्राफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, नंबर वन द टॉपिक स्टेटमेंट और द थीम स्टेटमेंट, एंड नंबर टू द सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स और यू कैन से ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही अपने पैराग्राफ राइटिंग के मेथड्स को कई तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनका। कैसे? तो थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में और देख लीजिए। द स्टैंडर्ड पैराग्राफ बिगिंस विद अ टॉपिक सेंटेंस। कोई भी एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ जो होता है जनरली वो एक टॉपिक सेंटेंस से यानी आपकी मेन सेंटेंस से स्टार्ट होता है और उसके बाद जितने भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो सेंटेंस को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम पैराग्राफ की एक सिंपल डेफिनेशन देना चाहें तो पैराग्राफ इज अ यूनिट ऑफ कोहरेंट आइडियाज, कोहरेंट मतलब रिलेटेड आइडियाज स्टडीड इन वेरियस सेंटेंसेस, जो कि सेंटेंसेस की फॉर्म में आपके पैराग्राफ में लिखे गए हैं। सो नाउ पैराग्राफ राइटिंग के सात मेथड्स आपके यहाँ पे होते हैं, सेवन वेज जो हम बेसिकली आपके पैराग्राफ राइटिंग के होते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एक्सपोजिशन, क्रोनोलॉजिकल, स्पेशियल एंड लीनियर एंड इंटरप्टेड। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। डिडक्टिव मेथड वो मेथड होता है जहां पे हमारा पर्पज होता है अपने आइडिया को डिफेंड करना, प्रोवाइडिंग एविडेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टॉपिक स्टेटमेंट जो होता है उस टॉपिक स्टेटमेंट से अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यानी फर्स्ट सेंटेंस जो होगा हमारा टॉपिक स्टेटमेंट होगा, उसके बाद हम सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स देते हैं अपने उस पैराग्राफ में पहले जो टॉपिक स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से स्टॉप करके वीडियो को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट है, एंशियंट ग्रीस गेव अस फर्स्ट फिलोसोफर्स whose names have been placed among those of the enlightened elders. तो इसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो इस फर्स्ट स्टेटमेंट को केवल एक्सप्लेन करने की या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है डिडक्टिव मेथड। पहला स्टेटमेंट आपका टॉपिक स्टेटमेंट होगा, बाकी सारे स्टेटमेंट जो होंगे वो उसको जस्टिफाई करने के लिए होंगे और वो आपके सबऑर्डिनेट या फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाते हैं। नंबर टू इज द इंडक्टिव मेथड, ये उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि टॉपिक स्टेटमेंट जो होता है वो सबसे एंड में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पर्पस होता है एक कंक्लूजन ड्रॉ करना और कंक्लूजन तो सबसे एंड में आता है। तो यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग होती है पैराग्राफ की वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट से होती है और जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट या फिर आपका एक टॉपिक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो आप इस अगर एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल में जो लास्ट का स्टेटमेंट है वो क्या है, देयरफॉर लर्निंग सेल्फ मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। इससे ऊपर के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो केवल इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उल्टा मेथड होता है। यहाँ पे जो मेन सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है, वो बिल्कुल एंड में होता है। नंबर थ्री इज द एक्सपोजिटरी मेथड। यहाँ पे हम जब भी कभी हम किसी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा एक्सपोजिटरी मेथड कहलाता है। जैसे इंजीनियरिंग की कोई भी टेक्स्ट बुक अगर आप उठाएंगे तो उस टेक्स्ट बुक में जनरली एक्सपोजिटरी मेथड यूज होता है। विकिपीडिया में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो जनरली सारे आपके एक्सपोजिटरी मेथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक सेंटेंस हालांकि यहाँ पे हमारा शुरुआत में ही होता है बट वो एंड में भी आ सकता है, जनरली वो स्टार्टिंग में ही होता है। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अर्थक्वेक का जो स्टेटमेंट है वो बिगिनिंग स्टेटमेंट होगा। द अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ्स लिथोस्फेयर दैट क्रिएट्स सीस्मिक वेव्स। अब इसके बाद जो भी चीज हम एक्सप्लेन करेंगे वो बेसिकली ये जो भी चीज हम यहाँ पे डालेंगे, जो सेंटेंस भी होगा वो केवल इस फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए होगा, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए होगा। ठीक है, ये कहलाता है आपका एक्सपोजिटरी मेथड। ये जनरली रिसर्च आर्टिकल्स में, आपकी टेक्निकल बुक्स में, इन सब चीजों में यूज होता है। देन कमिंग टू द क्रोनोलॉजिकल मेथड, क्रोनो वर्ड जहां पे भी आएगा उसका रिलेशन होता है टाइम से। तो जब हम कभी भी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर किसी एक प्रोसेस के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम एक एंटायर एक हिस्टोरिक लाइन जो होती है उस लाइन के अलोंग बात करते हैं। तो जो इवेंट सबसे पहले हुई होती है उसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद दूसरी, उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन, देन लेटर ऑन इन्फॉर्मेशन, दैट लेटर ऑन। तो सबसे पहले से और सबसे एंड तक की इन्फॉर्मेशन को हम टाइमली लगाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं, वही हमारा क्रोनोलॉजिकल मेथड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे भी जनरली जो आपका टॉपिक स्टेटमेंट होता है वो बिगनिंग में ही होता है। जैसे
एग्जाम्पल देख सकते हैं आप. इन द रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ 60 years, देर हैज बीन एन इनक्रेडिबल इवोल्यूशन इन द साइज एंड कैपेसिटीज ऑफ द कंप्यूटर. तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के साइज जो कैपेबिलिटी है उसमें आपके डेवलपमेंट के बारे में बताना शुरू किया. तो हमने इनिशियल ईयर 1945 से शुरू किया, देन वी केम टू द 1960 एंड देन वी टॉक्ड अबाउट 1990. इन दिस वे वी एक्चुअली कीप ऑन गोइंग. तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब टाइमली मैनर. Then come to the special method. When our purpose is to give a neat and comprehensive idea of a place so that people can clearly figure out where things are kept. जब हम अपने लिखने के टेक्निक से सामने वाले व्यक्ति को ये बताना चाहते हैं या ये उसके उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, देन वी कॉल इट अ स्पेशियल मेथड. यहाँ पे हम अपनी बातों के माध्यम से जगह को यानी किसी भी प्लेस को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति क्लियरली उस पोजिशन के बारे में समझ पाए. जैसे माई ऑफिस इज लोकेटेड इन सच अ ब्यूटिफुल लोकेलिटी दैट यू वुड बी मैसमराइज. अब ये मेरा टॉपिक स्टेटमेंट हो गया. अब मैं अपने ऑफिस की लोकेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिवली. तो आप वीडियो को पॉज करके अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं मेरा ऑफिस बेसिकली सिचुएटेड कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है. तो ये कहलाता है मेरा स्पेशल मैथड. इन द सेम वे कमिंग टू द लीनियर मैथड. लीनियर मेथड इज बेसिकली जस्ट लाइक अ प्रोसेस इन मैनुअल्स. यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक लॉजिकल स्टेटमेंट दूसरे लॉजिकल स्टेटमेंट की तरफ लेके जाता है, दूसरा तीसरे की तरफ, तीसरा चौथे की तरफ. यहाँ पे बेसिकली बिगनिंग से लेके एंड तक हर स्टेटमेंट कनेक्टेड और रिलेटेड होता है. ठीक है, इस लीनियर मेथड में भी आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो बिगनिंग में ही आता है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिएगा, क्रिएटिंग स्लाइड्स इन पावर पॉइंट रिक्वायर्स जस्ट अ फ्यू स्टेप्स. ठीक है, उसके बाद मैंने उस स्टेप को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाइए, देन क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, देन क्लिक द न्यू टैब एंड देन यू कैन क्रिएट द पावर पॉइंट स्लाइड. तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक लीनियर मेथड फॉलो कर रहा हूँ जहां पे मैं एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथे स्टेप पे जा रहा हूँ. द नेक्स्ट वन इज इंटरप्टेड मेथड. इंटरप्टेड मेथड वो मेथड होता है जहां पे हम ड्रामेटिक या फिर एक तरीके से एक ड्रामा क्रिएट करते हैं या फिर एक सस्पेंस टाइप की चीज क्रिएट करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो यहाँ पे इंटरप्टेड मैं इसको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कभी मैं यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में बात करूंगा, कभी मैं पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में. तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरा थॉट प्रोसेस जो है यहाँ पे वो लगातार इंटरप्ट होके चलेगा. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरप्टेड मैथड. जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं टॉपिक सेंटेंस यहाँ पे भी आपका बिगनिंग में है, आई एम एन एविड रीडर. मैंने यहाँ पे पहला टॉपिक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं एक बहुत ही अच्छा रीडर हूँ, मैं बहुत पढ़ना पसंद करता हूँ. ठीक है, अब मैंने पास्ट के बारे में बात करनी शुरू कर दी. व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू पिक अप बुक्स व्हेन गिवन ऑप्शन. ठीक है, मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ. देन आई वुड टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो. ठीक है, तो नाउ आई एम फॉन्ड ऑफ सेल्फ हेल्प, आई नेवर प्रिफर थ्रू आउट माई लाइफ. यहाँ पे मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसमें फ्यूचर के बारे में भी बात कर सकता हूँ. तो इंटरप्टेड मेथड में आप प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, फ्यूचर से फिर प्रेजेंट से फिर पास्ट, इस तरीके से आप इंटरप्ट करते रहते हैं अपने सीन को एंड देन यू कीप ऑन मूविंग फ्रॉम हियर और यू कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट टू फ्यूचर. ठीक है, ये कहलाता है आपका इंटरप्टेड मेथड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई नो दिस वीडियो हैज एक्चुअली बिकम सो लॉन्ग, यू माइट फील अ लिटिल बिट बोर्ड, बट बिलीव मी माई डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप द थिंग्स वेरी शॉर्ट as crisp as possible, but there was no mean to make it lesser than this or shorter than this. मैंने पूरी कोशिश की है इसको छोटा बनाने की. ठीक है, तो I hope कि आप इस concept, इस video के through अपने concepts को review कर पाएंगे. अगर कोई भी suggestion, कोई भी recommendation, कोई भी information, कोई भी आप मुझे suggestion देना चाहते हैं तो आप comments के through या फिर आप WhatsApp के through या Telegram के through आप मुझ तक जरूर पहुंचा सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बताइएगा. अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, वो भी आप मेरे से जरूर शेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अच्छे से स्टडी कीजिएगा एंड विश यू अ वेरी गुड लक. थैंक यू सो मच.